निकल बाहर। काय को? अबे तूने मुझसे बोला कि तू शादीशुदा है, ऊपर का माला किराए पे लिया और यहाँ उल्टे सीधे काम करता है। बेटा अगरबत्ती जलाने के बजाय चुपके चुपके सिगरेट सुलगाता है, इस उम्र में दूध पीने के बजाय दारू पीता है। क्यों बे? रात में 12 बजे के बाद उल्टी सीधी लड़कियों को लेकर आता है तू यहाँ? आप गलत सोच रहे, लड़की नहीं आंटी थी, उसके पति से प्रेम का दीपक नहीं जल रहा था तो मैं जलाने ले आया। जूता फेंक के मारूंगा। उसे घर लाने का क्या मतलब? रात भर भजन सुना रहा था उसे? भजन टीवी पे बज रहा था, हम तो सिर्फ भांगड़ा कर रहे थे। भाग यहाँ से, नहीं तो आता हूँ कूद के। देखना आपका एक बैचलर का श्राप लगेगा सर, बैचलर समुदाय की देवी सनी की कसम। आज के बाद यहाँ जो भी किराएदार आएगा वो आपको इतना परेशान करेगा कि इस घर की दीवारें भी रो उठेंगी। चल निकल यहाँ से, उठ ले। आ जा रहा हूँ, तुझे बर्बाद करने के लिए मेरा श्राप ही काफी है। ऐसे ही हर महीने किराएदार भगाते रहे ना तो हम दोनों को वकालत छोड़ के दलाली का पार्ट टाइम जॉब शुरू करना पड़ेगा। ए, तू अपने बाप की तरफदारी करेगा या उन किराएदारों की? ज्यादा कुछ बोला तो उन्हीं के पास भेज दूंगा, समझ ले तू? उन किराएदारों की वजह से दाल रोटी चलती है, वरना वकालत करके कौन सा पद्मश्री जीत लिया। इसीलिए तो मैं तुझसे कहता रहता हूँ कि अच्छे और नेक किराएदार ढूंढ के ला उल्लू का पट्टा। अगर तुझे अपना असिस्टेंट बनाया होता ना तो तू कोर्ट में झूठी गवाही देने के लायक भी नहीं होता। पापा क्या है? अरे रे रे रे, बस कीजिए ना पापा जी, जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ बाप बेटे को कभी प्यार से बात करते नहीं देखा। ये घर है, बहस करने के लिए आपका कोर्ट नहीं है। नाश्ता तैयार है, खा लीजिए। नाश्ते में इसे बादाम खिलाओ, दिमाग में भूसा भरा है। पहले भूसा खा के गधे को शांत करवाओ। बेटा मुझे शांत मत करवा, अंडे तैयार है खा ले। एक आ, खाना के अंडे जो है। ऐसा भुक्कड़ देखा है कभी? इसीलिए डांटता रहता हूँ। ये बताओ तुम्हारे लाडले देवर कहाँ है? पता नहीं, सुबह से ही उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। छोटा गधा किसी बड़े गधे के साथ होगा। कहते हैं हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, कई दफा एक दोस्त अकेला ही 10 दोस्तों के बराबर होता है। जैसे अर्जुन और अश्विन, दोनों में इतनी ज्यादा बुराइयां हैं कि इन्हें किसी और बैड कंपनी की जरूरत ही नहीं है। जैसे लड़कियां छेड़ना, दारू पीना, आवारागर्दी करना, गवर्नमेंट के बनाए ईच एंड एवरी रूल को तोड़ना और कभी कभी लोगों की हड्डियां भी तोड़ना। ये बहुत ही उच्च दर्जे के शौक हैं जो दोनों को एक अटूट बंधन में बांध के रखते हैं। उनकी लाइफ के एम्बिशन है यूजलेस, होपलेस और पर्पसलेस रहना। आज संडे कोर्ट खुला है क्या? इसीलिए कहता हूँ बादाम खाया कर गधा कहीं का। अरे और जो इधर आ। बोलिए पापा। लाइफ में न जाने कितने उल्टे सीधे केसेस लड़ा हूँ, पर तेरा केस मेरे पल्ले नहीं पड़ता। आज तक एक भी केस जीते ही नहीं है। वैसे ये बता तुझमें कुछ तो अच्छा होगा। कई अच्छा है, मेरी डाइट बहुत अच्छी है। डाइट तो बैल की भी अच्छी है, लेकिन जीने के लिए मकसद चाहिए होता है। जरा अपने भाई को देखो, असिस्टेंट लॉयर है ये मेरे साथ। लकोड़ दे ये काम वाली बाई जरीना, 7,000 रुपए कमाती है महीने में, तुझसे तो लाख गुना अच्छी ये है। दे 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 ना। हाँ तौबा। अर्जुन आज कोर्ट जाकर जज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुझे अपना अर्दली बनाकर तेरी जिंदगी सुधार दे। केस नंबर अब तक 56, बकरी चुराने के आरोपी रंगा कुमार, बकरी के मालिक बिल्ला सिंह अदालत में हाजिर हो। आप मेरे पापा हैं या पड़ोसियों के? भाभी आप समझाइए ना इन्हें। पापा जी आप जाइए ना, आपको लेट हो जाएगा। अरे कुछ समझा। आप जाइए, मैं समझा लूंगी इसे, आपको अलग से कहूँ। थैंक यू, मेरी जान बचा ली भाभी। वैसे कहते हैं कि तूफान आने से पहले शांति होती है, लेकिन इस घर में पापा के जाने के बाद ही शांति होती है। ये गलत है, बड़ों को ऐसा नहीं कहते। वो बड़े नहीं सिर्फ बूढ़े हैं। उस कॉलेज के प्रिंसिपल के दर्शन करना चाहता हूँ जिन्होंने पापा को लॉ की डिग्री दे दी, उनसे मिलकर कहूँगा। अरे पापा आपका भाई। नमस्ते पापा, मुझे माफ कर दीजिए। देख लिया सौंदर्या है? इन गधों के तीखे बोल सुने, अपने बाद दो बिगड़े सांड मेरी छाती पर छोड़ गई। मुश्किल है इन लोगों को संभालना। एक्टिंग करते हो, सब जानता हूँ। ए छोटे गधे, याद रखना तू मेरी बात, एक ना एक दिन तुझे ये कोट पहना कर ही दम लूंगा मैं। आ, वो भी धोके और प्रेस करके पहनाइएगा। चुप कर। हेलो। अच्छा बकरी चोरी हो गई है क्या? पहचानेंगे कैसे? अरे हम दोनों काला कोट पहन के आएंगे, बकरी काली, कोट भी काला। ओके ये केस जीतेंगे। हम वापस क्यों आए थे? ओ बैग चाहिए, काली बकरी काला बैग। थैंक यू। जब ये माँ की कोख में था, इसकी माँ को इलायची बादाम केसर का दूध पिलाया ताकि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट पैदा हो। पता नहीं ये निकम्मा कहाँ से पैदा हो गया। इसके साथ पढ़ने वाले दूसरे लड़के प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जॉब्स पाकर एसी में आराम से सो रहे हैं और एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, और ये यहाँ धूप में मजे से सोया है। अरे उठो मेरे शहजादे अश्विन,
उठ जा। बाप एक सब इंस्पेक्टर है और बेटा एक महान लोफर। अपने बाप की इज्जत का ख्याल कर, कम से कम होम गार्ड ही बन जा। चलो उठ, उठ जा। पापा अब्दुल कलाम ने क्या कहा था? यही कि हर इंसान को सपने देखने चाहिए। तो जितना सोऊंगा उतने सपने देखूंगा। उन्होंने खर्राटे भरते हुए सपने देखने को नहीं कहा था, भविष्य के सपने देखने कहा था। धीरू भाई का बेटा मुकेश अंबानी, राकेश रोशन का बेटा ऋतिक रोशन, रमेश तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर और मुझे भागे का बेटा सड़क छाप लोफर। बड़ी नाइंसाफी है। अरे आलसी, कोई रिंग बजा बजा के पका रहा है, फोन उठाने के बहाने तो उठ जा। बंटा तू भूल गया ना, किशोर की शादी में जाना है यार। 3 दिन फुल मस्ती करनी है। You're too much. ओ बिडू कुमार, ये किशोर कुमार क्यों बोल रहे हैं? मैं अच्छा गाना गाता था ना, इसलिए ये मुझे किशोर और कुमार कह के ये मुझे बुलाता था। आज भी हम अच्छे दोस्त हैं। हेलो, वेलकम बडीज। दूल्हा लग रहा है। शादी से 3 दिन पहले क्यों आ गए? कहा था ना सीधे बाराती बन के आना, दोस्ती खींच लेना। अबे ज्यादा मत उड़, लड़कियों को ताड़ना खींच रहा है। होने वाली भाभी गोरी है या कलर तुझसे लिया? अभी तक देखी नहीं है। अभी तक नहीं देखी? कैसे? पापा को हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए 15 लाख मांगे। पैसों का इंतजाम करना था, फिर मैंने नेट पर सर्च किया, 50 लाख दहेज देने वाली लड़की मिल गई, बिना सोचे हाँ कर दिया। ये बात हजम नहीं हुई, 50 लाख में ऑनलाइन हनीमून कर लेता? ऐसा कोई ऑप्शन है? अबे चुप कर। यार शादी से पहले दुल्हन को देखना शुभ होता है। ऐसा क्या? मुझे पता है वो कहाँ पर मिलेगी, चलो देखते हैं। चल 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 चल। अगर इस पेड़ पे चढ़ेंगे तो मेरी होने वाली दुल्हन दिखेगी। आइडिया, हम लोग तुझे इस पेड़ पर चढ़ाते हैं, फिर तू आराम से अपनी दुल्हन को देख लेना। पर मुझे पेड़ पे चढ़ना नहीं आता। मुझे आता है। मुझे भी आता है। मैं देख के तुम्हें सीधा रिपोर्ट दे दूंगा ना। ठीक है, ऊपर वॉच के सिग्नल दे। काश मुझे भी पेड़ पे चढ़ना आता। एक सेकंड, जरा ये पकड़। ए किशोर, किशोर, पिताजी, चुप जाओ, चुप जाओ, चुप जाओ, चुप जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, पता नहीं कहाँ चला गया। देखा तुमने उसे? अच्छी तरह से। कैसी है वो? बिल्कुल कातिलाना थी। कौन सी ड्रेस पहनी थी? ड्रेस पहनी कहाँ थी? Don't you worry. सब कुछ देख लिया, टॉप टू बॉटम सब कुछ। देख के कुछ कुछ हुआ क्या? वो तेरी भाभी है रे। गुलाब जल से नहाया कोहिनूर हीरा है, किसी फूल पर बैठी खूबसूरत तितली मानो अनारकली ने स्विमिंग सूट पहना। बस कर यार, कंट्रोल नहीं हो रहा है। बस 3 दिन की ही तो बात है। 3 दिन कम नहीं होते। रामादी, बेटी थे मिलना ताव दे। पिक्चर लीक हो गई है, ट्रेलर देख के क्या फायदा? अच्छा तो आप देख चुके हो। इसने जोड़े के अलावा सब देख लिया है, अब क्या बचा देखने के लिए? मैं टेंशन में हूँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ससुर जी निकल जाइए यहाँ से। अरे बाप रे, आप तो कुत्ते वाले हैं, मैं चलता हूँ। क्या जाओ, एंड यू आल्सो गेट आउट गाइस, मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। चाहे तो तू भी देख। कहा ना जाओ यार, मूड खराब कर दिया। बच्चे का बच्चा ही रहेगा। अले दामादी थे दो दलाल उतो। दामादी तिथि थोती थी बात पे गुस्सा होके बदे से कमरे में बैठे। सर किस बात पे? किसी ने कुछ देख लिया। स्विम सूट वाली बात बेटा, ये स्विम सूट नहीं था, दीदी थेलवानी है। प्लीज इधर ले जाओ और दामादी तो पहना दो। ठीक है। किशोर, ए किशोर, मैनर्स नहीं है क्या? दिखता नहीं है लड़कियाँ कपड़े चेंज कर रही हैं। सॉरी, मुझे लगा दूल्हे का कमरा है। दूल्हे दुल्हन के कमरे में फर्क नहीं पता क्या अंधे? दूल्हा हो या दुल्हन, मैन हो या वुमन, ब्यूटी हो या अगली, बार या बच्चों का स्कूल, किसी का फर्क पता नहीं चलता। क्यों? भगवान ने वायरिंग तो की पर जल्दबाजी में बल्ब लगाना भूल ही गए। मतलब सच में अंधे हो? बचपन से। सॉरी, ओ अंधा है। चलो चलो चेंज करो। शौक से सच में अंधा ना हो जाऊं, सब एक से बढ़कर एक बलाएं हैं।
सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, दूल्हा वही है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात कहना चाहता था, कमर पे आपका जो तिल है ना, बहुत अच्छा लगता है। प्लीज उस पर कभी टैटू मत बनवाना। थैंक्स। बेचारा, फ्री में तुझे कितना अच्छा सजेशन दिया। एक बात बता, अंधे को काला तिल कैसे दिख गया? बेकार में शोर मत मचाओ, दरवाजा बंद रखो ना। मुझे क्या सपना आएगा, यहाँ पर लड़की है। अभी रुक तो। दिल पे मत ले यार, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं देखा। लाइफ में बहुत स्विम सूट देखे हैं। कतरीना को देखा, करीना को देखा, लेटेस्ट में आलिया को भी देखा। अगर तूने उसे स्विम सूट में देखा तो क्या फर्क पड़ता है, पर उसने तुझे तो नहीं देखा। यू आर वेरी टैलेंटेड। जानता हूँ यू फूल। अरे यार भाई, तेरा कमरा समझ के मैं दुल्हन के कमरे में चला गया। तू ही बता वो कैसे दिखती है। क्यों पूछ रहा, पता होना चाहिए ना। उसी रूम में देखा, पारंपरिक देसी ड्रेस, पूरी इंडियन ब्राइड, शादी के जोड़े में, करेक्ट ना? बिल्कुल रॉन्ग है, जोड़ा पहना हुआ नहीं था। दामाद दी, अब तक तिथे एक बाल भी नहीं देता। अब तो देख लीजिए ना। एक ने कपड़े उतारते हुए देखा, एक ने कपड़े पहनते हुए। मैं देखूं या नहीं क्या फर्क पड़ता है। तितने देखा इथे। क्या देखा? उसका वीडियो शूट करके YouTube पर अपलोड कर दूंगा। आप लाइक कर देना और आपकी वाइफ उस पर कमेंट करेगी, फिर दुनिया उसे शेयर करेगी। चलो निकलो यहाँ से। एक नजर तो डालिए। अब ये कौन है भाई? हमारी बेटी है, तुम्हारी होने वाली बीवी। याद आया, बहुत पहले ऑनलाइन देखा था ना, इसलिए लाइव पहचान नहीं पाया। हाय कुमार, ये स्विमिंग सूट वाली लड़की नहीं है। सच में? हाँ। अरे यार, जो लड़की साड़ी पहन रही थी वो भी ये नहीं है। क्या बोल रहा है, सच में? फेसबुक की कसम ये वो नहीं है, सच्ची। वैसे साड़ी में ये भी खूबसूरत लग रही है। हाँ, ये भी स्विम सूट में अच्छी लगेगी है ना? इतना काफी है यार, रुको 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 रुको। मेरे प्यारे मंगेतर, अब तुम जाओ। हाँ, वो मेरी वाइफ नहीं थी, मैं हंसी खुशी शादी करूंगा। स्टॉप, कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। क्यों बे, तूने हम लोग की पूरी पिक्चर देखी, हमसे झूठ बोला और बहुत एंजॉय किया। मसाला पिक्चर देखने में सबको मजा आता ही है। मेरे कुछ सवाल के जवाब दो, उसके बाद डिसाइड करेंगे। पूछो जो पूछना है। ये बताओ, हमारे दो कान क्यों होते हैं? एक माँ बाप के लिए, एक सास ससुर के लिए। गुड़ और तिल साथ क्यों मिलाते हैं? क्योंकि मिलाने के बाद वो अलग ना हो सके। रिंग इसी उंगली में क्यों पहनते हैं? सब लोग अपने हाथ इस तरह रखो। इसे अलग कर सकते हैं, इसे अलग कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, पर रिंग फिंगर अलग नहीं कर सकते। हस्बैंड वाइफ को हमेशा इन फिंगर्स की तरह साथ होना चाहिए, इसलिए रिंग इसी में पहनाते हैं। बाय। जितना चीप दिखता है उतना है नहीं। प्लीज हंसना बंद करो, पेट में दर्द हो गया। शादी से पहले जी भर के मस्ती कर लो, शादी के बाद तो अंडा ही मिलेगा। ऐसा होता है? मुझे देखो, शादी से पहले क्वीन थी और शादी के बाद डस्टबिन हो गई हूँ। दिन भर मेरी सास मेरा भेजा फ्राई करती है। यस, ससुराल और जेल एक जैसी होती है। वहाँ जेलर के कैदी है और यहाँ सास ससुर के। लड़कियाँ ऐसी भी बातें करती हैं? इनकी माया भगवान भी नहीं समझ पाया। बहू अगर कंप्यूटर होती है तो सास ससुर खड़ूस वायरस होते हैं। तुम्हें कैसा ससुराल चाहिए? अबे ये मेरी वाली है, इसे हमारी जॉइंट फैमिली जरूर पसंद आएगी। मुझे तो जॉइंट फैमिली के नाम से ही बुखार आता है, ऐसी फैमिली के साथ एक दिन भी एडजस्ट नहीं कर सकती। मेरी शादी इकलौते अनाथ से होगी। पागल है क्या? कह दिया ना, यही फाइनल है। पर क्यों? ऑर्डर देने वाली खड़ू सास नहीं होगी, ना लिमिट बताने वाला ससुर, और टॉर्चर करने वाली ननद भी नहीं होगी। मैं उसकी दुनिया और वो मेरी दुनिया बनेंगे, हम दोनों की एक अलग दुनिया होगी। सो मैं एक अनाथ से ही शादी करूंगी, ये बात फाइनल है। ये क्या, इसने तो शौक दे दिया। अरे कलेक्टर या मिनिस्टर थोड़ी चाहिए, अनाथ तो चाहिए, बन जाना यार। ओके आई विल गो। चलो बाय बाय बाय। अश्विन देख तो वो आ रही है ना। अरे अरे अरे, बॉडी लैंग्वेज सही कर, अबे अनाथ वाला मुंह बना। जल्द समझ गया। मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया? वो कितने नसीब वाले हैं जिनके माँ बाप हैं, कम से कम दूर के रिश्तेदार तो होते।
लेकिन मैं इस दुनिया में बिल्कुल अनाथ हूँ। ऐसा क्यों किया उसने? फोन का बिल भरने के लिए पाप नहीं है, हैंगओवर होने पर नींबू पानी पिलाने वाली माँ नहीं है। मैं हूँ ना पगले, मैं तुझे फालूदा पिलाऊंगा। हौसला बढ़ाने वाला भाई नहीं है, कंसोल करने वाली भाभी नहीं है। ये लड़की कहाँ है बे? ये तो सांड है, इसके लिए इतनी एक्टिंग करवाई तूने? तेरी दूर से तो लड़की दिख रही थी यार। इतना अच्छा ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस वेस्ट हो गया। यार यार ये इस बार सच में आ रही है। मेरे साथ ऊपर वाले ने ऐसा क्यों किया? कितने नसीब वाले हैं वो जिनके माँ बाप होते हैं, मेरे तो दूर के रिश्तेदार भी नहीं है। क्या गलती थी मेरी जो मुझे अनाथ बना दिया? शांत हो जा मेरे दोस्त, शांत हो जा। मेरे फोन का बिल भरने वाला बाप नहीं है, हैंगओवर उतारने वाली माँ नहीं है। अरे मैं हूँ ना पगले, मैं तुझे फालूदा पिलाऊंगा, हैंगओवर उतार जाएगा। हौसला बढ़ाने के लिए भाई नहीं है, कंसोल करने वाली भाभी नहीं है। इस ऊपर वाले ने मुझे अनाथ बनाकर मुझ गरीब का मजाक उड़ाया है। अरे हिम्मत रख दोस्त, हिम्मत। अरे तुझे क्या मालूम अनाथ होने का गम क्या होता है? अरे रोने से सिर्फ आंसू आएंगे, पेरेंट्स थोड़ी आएंगे। वो देख तो रही है। हाँ देख रही है, प्रोग्राम चालू रख। एक्सक्यूज मी, तू एडवोकेट नारायण का बेटा है ना? अरे मुंह मत छुपा, इधर देख, वो बुड्ढा तो अभी जिंदा है ना? अरे पिछले हफ्ते जॉन्डिस से उनकी डेथ हो गई यार। मतलब टपक गया? सॉरी, पर मेरे को एक और डाउट है, इसके भैया और भाभी तो जिंदा है ना, तो अनाथ कैसे? हा? उनकी भी जॉन्डिस से डेथ हो गई। जॉन्डिस क्या फैमिली पैक में आया था? अबे तेरा बाप मर रहा है, कितना रो रहा है, कहीं ये बीमारी मुझ तक ना पहुंच जाए। तेरा चेहरा मुझे पीला दिख रहा है। डॉक्टर अब इसे भी छोड़ना पड़ेगा, शराब कर देगी खराब। तू तुम अनाथ हो? I'm sorry. It's okay. I love you. I love you. Huh? I love you. मम्मी कौन है? बदतमीजी क्यों कर रही हो? उस दिन सब देख लिया ना, इसलिए तुम्हें मारा। बात को बढ़ाना चाहती हो? आप क्यों पकड़ा? फिसल के गिर जाती तो? मैं तो फिसल चुकी हूँ। शादी खत्म, आप घिसा बेटा प्रोग्राम, वही विदाई, लड़की का रोना धोना। पापा। हाँ? पापा। अश्विन, ये तो अपने कुमार के रोने की आवाज है ना? पापा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे घर जमाने बनना पापा। अरे मेरे बच्चे, शादी के बाद बेटा पराया धन हो जाता है, रो क्यों रहा है? बाबुल के आंगन जरूर बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरे हमारे यहाँ यही रिवाज है, लड़के घर जमाई बनते हैं। अरे कोई तो समझाओ इसे। समझी जी, मैंने इसे बड़े नाजों से पाला है, बच्चा समझ के माफ कर दीजिए ना। ये तो अच्छी बात है, मुझे तो कमजोर पति ही चाहिए था। समझी जी, इसे घर का कोई काम नहीं सिखाया है, छोटा बालक समझ के माफ कर दीजिए ना। इन्हें मैं परफेक्ट सर्वेंट कम हस्बैंड बना दूंगी। कल से घर की जिम्मेदारी इसकी होगी, खाना बनाएगा, कपड़े बर्तन धोएगा और झाड़ू पोछा भी करेगा। ओके ओके, देखा पापा, इसे हस्बैंड नहीं सर्वेंट चाहिए। बेटा दहेज देने के बदले उन्होंने यही शर्त रखी थी। अभी जा बहू, इसे ले जा। दामाद की थमाल के दाइए। निकला चल, हंसी खुशी जा, हंसी खुशी आ। अरे मेरे बच्चे, खुशी में संभाल के रखना। अरे मम्मी। मेरा नाम है सुप्रिया, एज सिर्फ 21, 34, 28, 36 मेरा साइज है। साइज बता के नाप दे रही है, टेलर समझाए मुझे, चलास्ता नाप। ए, तुझे भाव दिया तो भाव खा रहे ला। तुझमें इंटरेस्ट नहीं है? इंटरेस्ट लेना, मैं खिलाड़ी हूँ, अनाड़ी नहीं। कितना ही बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हूँ, आउट जरूर होता है, फिर मिलेंगे। मुझे तो थर्ड अंपायर लगती है, मेरा विकेट लेने के पीछे तुली है। मिस्टर, तुम हम दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करने वाली। एक अनाथ की फीलिंग्स हर्ट कर रही हो। अगर अनाथ हो तो तुम पर दया कर सकती हूँ, प्यार नहीं कर सकती। प्यार हो या दया, दोनों में दिल इन्वॉल्व होते हैं। ट्राई करके देख लो,
ऑल द बेस्ट। नीलाक्षी। हाँ आ रही हूँ। ए नीलाक्षी, चलो मुड़ कर तो देखा। जहां तक हो सके गौतम बुद्ध की तरह शांत रहता हूं, पर तेरे जैसे कुत्ते मुझे भड़का देते हैं। मुझसे दुश्मनी कर ले कोई बात नहीं, लेकिन अगर चीट किया तो चीट के रखूंगा। ए सुन लो रे सभी, ये मरना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे चीटर से नफरत ही नहीं, उनसे घिन भी आती है, और उन्हें मैं तड़पा तड़पा कर मारता हूँ। ये सांस तो लेगा लेकिन जिंदा लाश बनकर। क्रिमिनल्स का कॉल सेंटर लगता है। किसका घर है ये? मेरा घर है। तुम्हारा घर है? और वो मेरे भैया है। भैया ये अर्जुन है, ये कहता है कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है। रुको, रुक जाओ। बात यह है कि मैं भी इससे प्यार करती हूँ। बैठो। रिलैक्स। हेलो मास्टर, पीछे टीका लगा लो। वो मैं पानी का पैक बना के दूं क्या? तुमसे कुछ बात करनी है। पहले मुझसे बात कर, तेरा धंधा पानी क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अनाथ है? अनाथ ही हूँ, लेकिन पहले ये बता, तू इसको बहुत प्यार करता है? करता हूँ, लेकिन सिर्फ प्यार ही है या शादी वादी का भी कोई इरादा है? शादी करना चाहता हूँ, लेकिन 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 कुछ नहीं, ये रिश्ता पक्का है। अरे कहाँ जा रहे हैं, बात तो पूरी कीजिए। आज रजिस्ट्रार ऑफिस में तेरी और इसकी शादी होगी, समझा? हाँ जी। तो और क्या, तुझे तो खुश होना चाहिए ना, मंगनी सीधा ब्याह। नहीं वो प्यार हुए अभी, बस एक ही घंटा हुआ है सर। अच्छा तो तू क्या पार्क या डिस्को में जाके डिसाइड करेगा, ताकि ये बात भाई को पता चल जाए, तेरे हाथ पांव तोड़ दे, उसके बाद शादी करेगा? ऐसी बात नहीं है, लेकिन लेकिन क्या? वो पहले शुभ मुहूर्त निकाल लेते तो। ए आज की डेट का बेस्ट मुहूर्त निकाल। आज 12:30 से अच्छा मुहूर्त 100 साल में भी नहीं मिलेगा। एक्चुअली मैं लाइफ में ठीक से सेटल नहीं हुआ हूँ। अबे जब मेरी बहन ने तुझे पसंद किया ना, तेरी लाइफ वहीं पर सेट हो गई। लेकिन अबे शुभ काम में लेकिन कैसा? चल चलो भाई। लेकिन 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 अबे क्या लेकिन लगा रखा है? अब शादी है तो घर वाले रिश्तेदार मतलब आपके रिश्तेदार और दोस्तों का इनवाइट करना। मेरी बहन मेरी इकलौती रिश्तेदार है, उसने तुझे लाइक किया, तूने उसको लाइक किया और मैंने तुझे लाइक किया। रजिस्ट्रार ऑफिस चल फटाफट, तेरी शादी आज ही होगी। सॉरी पापा। 11:45 को लव कन्फेस किया और 12:30 को भाई ने शादी करवा दी। चट लव पट ब्याह का इससे बड़ा एग्जाम्पल पूरे इंसानी इतिहास में नहीं मिलेगा। हेलो। हाय भाभी। बोलो अर्जुन। वो मैं आज रात घर नहीं आने वाला हूँ। पर क्यों? मेरी सुहागरात है ना। तुम्हारे सुहागरात है? ला फोन दो। रुको। मेरे दोस्त की सुहागरात है तो सब दोस्त मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। अबे तेरे दोस्त की फर्स्ट नाइट है ना, सब मिलकर सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो? 31st नाइट है क्या? भैया एक्चुअली दोस्त की फर्स्ट नाइट है, सब मिलकर उसे एनकरेज करना चाहते हैं। ठीक है ठीक है, रात पाली करके आ। If you don't mind, मन में एक छोटा सा डाउट है।
कोई भी लड़की किसी रेप्यूटेड फैमिली में शादी करना चाहेगी। तुमने उन सबसे हटके गुमनाम अनाथ से शादी क्यों की? मेरी एक बड़ी बहन भी थी अर्जुन, उनकी शादी बड़े खानदान में हुई, लेकिन वो पूरा परिवार उनके साथ एक बहू की तरह नहीं बल्कि नौकरानी जैसा बर्ताव करता। कुछ महीनों बाद दीदी ने सुसाइड कर लिया। I'm sorry. मैंने और भैया ने तभी फैसला कर लिया था कि हम फैमिली को ना देखकर लड़के की अच्छाई को देखेंगे। पता है अगर तुम अनाथ ना होते ना, तो तुमसे प्यार होते हुए भी मैं तुमसे शादी ना करती। फंस गया, कुछ दिनों तक अनाथ ही बने रहना होगा। तुम उदास मत हो, आज तुम्हारी दीदी बहुत खुश होगी। लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी, ठीक है ना? अर्जुन, अर्जुन उठो अर्जुन। थोड़ी देर और सोने दो ना भाभी। कौन भाभी? किसकी भाभी? अभी अभी तुमने भाभी कहा। मैं ऐसा ही हूँ, अपने मन की इच्छाओं के सपने देखता हूँ। अगर मेरी एक बड़ी फैमिली होती तो रोज कहता, थोड़ी देर और सोने दो ना भाभी। आज नाश्ते में क्या है मॉम? डांटिए मत ना पापा। भैया गाड़ी की चाबी देना। लेकिन ये सिर्फ एक सपना है, आंख खुलने के बाद मैं और मेरी तन्हाई अकेले रह जाते हैं। रूठ जाऊं तो मनाने वाला भी कोई नहीं होता। ऐसा मत कहो अर्जुन, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। आज ही हम किराए का घर लेंगे और दोनों एक नई लाइफ शुरू करेंगे, क्या कहते हो? किराए पर क्यों लेंगे? तुम्हारे भैया का इतना बड़ा घर है। वो घर नहीं, गुंडों का अड्डा है, इसीलिए फर्स्ट नाइट के लिए भैया ने ये वाला होटल बुक किया था। अब उम्र भर तो यहाँ रह नहीं सकते, हम खुद का आशियाना बनाएंगे, अपनी एक पहचान बनाएंगे अर्जुन। और इसीलिए आज सुबह से इतने सारे न्यूज़पेपर्स में से मैंने कुछ एड्रेस सेलेक्ट किए हैं। बेटा अगर इस एरिया में रहा तो पहचाना जाएगा, इतना टाइम कहाँ है, दिन में ऑफिस जाना है रात को घर। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम तैयार होकर अपने ऑफिस जाओ, मैं तैयार होकर घर ढूंढती हूँ। ठीक से करना। दोस्त की शादी कैसी रही? थका हुआ चेहरा, आंखें ऐसी लाल, दोस्त की शादी में ऐसा हाल, मुझे तो लगता है दाल में जरूर कुछ काला है। अरे सुहागरात में बहुत काम होता है ना भैया। जी जी, इसके दोस्त की सुहागरात थी। अर्जुन पता है, तो अंदर जा। थैंक यू भाभी। तू अपना काम कर। सारा दिन मस्ती, चलो पढ़ाई करो, पढ़ो। पापा जी, इन्हें किराए के लिए घर देखना है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। पापा जी, इन्हें ऊपर का माला दिखाऊं क्या? ऊपर जाने के लिए हॉल से ही जाना पड़ता है। अच्छा। पापा जी ने हर कमरा वास्तु के हिसाब से बनवाया है। ये दूसरा बेडरूम है। वाओ, बहुत खूबसूरत घर बनाया है अंकल। I just loved it. Thanks a lot. इन्होंने नहीं बनाया, बिल्डर ने बनाया। घर हमेशा बिल्डर ही बनाते हैं, मेरे जैसे वकील नहीं। ये मेरा बड़ा बेटा रवि, मेरे अंडर असिस्टेंट लॉयर का काम करता है। ये मेरी बड़ी बहू, हाउस वाइफ। मेरा एक और भी बेटा है, वो जरा अंदर है, उसके बारे में बात ना की जाए तो वही अच्छा रहेगा। इडियट, नालायक, लोफर, गुंडा, ये सारी उपाधियाँ उसको सूट करती है। रेंट कितना है? 30,000। इतना कम क्यों? अच्छा बिल में एडजस्ट करेंगे। विद लाइट बिल, वाटर बिल, फर्नीचर, गैस बिल, विद ऑल फैसिलिटीज। ज्यादा लगे तो और भी कम कर दूंगा। सो नाइस। और किसी के लिए 10 रुपए कम नहीं किए, इसके लिए सीधे 10,000 कम कर दिए। बात यह है बेटा कि इसकी शक्ल तेरी माँ जैसी है। सिर्फ शक्ल मिलने से 10,000 का डिस्काउंट? फॉरगेट इट, समझ ले तेरी माँ को 10,000 रुपए दे रहा हूँ। कितने महीनों का एडवांस दूँ? 3 months. 1 month. अच्छा ठीक है, 3 months advance. Thank you. कल शुभ दिन है, हम कल ही शिफ्ट हो जाएंगे। Thank you अंकल, मैं इसे छोड़कर आती हूँ। इस उम्र में हिलाने से अकड़ जाती है गर्दन। हेलो।
हेलो अर्जुन, गुड न्यूज। कल रात सुहागरात हो गई और आज सुबह गुड न्यूज भी। अच्छा, वो गुड न्यूज नहीं, एक घर पसंद किया है, ओनली 20,000 रेंट विद ऑल फैसिलिटीज। तुम्हारी चॉइस मैं जानता हूँ, कोई अच्छा ही घर ढूंढा होगा। और पता है, 3 महीने का एडवांस भी दे दिया। 3 महीने का एडवांस क्यों, पूरे साल का दे दो। ये क्या, दोनों जगह एक ही साथ भजन बज रहा है? मर गया। तुम्हारे फोन से भी बाबा का ही भजन सुनाई दे रहा है। वो मेरे ऑफिस के पास एक बहुत बड़ा मंदिर है। क्या तुम शास्त्री नगर वाले एडवोकेट के घर गई हो? हाँ गई हूँ, पर तुम्हें कैसे पता? क्लासिफाइड्स में ऐड पड़ा था। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो तुम? मुझसे शादी करने का अफसोस तो नहीं हो रहा ना तुम्हें? ऐसा क्यों कह रही हो? आई रियली लव यू, आई एम वेरी हैप्पी। बस घर में गड़बड़ है, वहाँ के लोग ठीक नहीं है। घर के लोग? मतलब घर की वास्तु में गड़बड़ है। किसने कहा तुमसे? हाँ, प्रॉपर वास्तु है, आलीशान साइज है, अच्छे लोग हैं, हम इसी घर में रहेंगे। अब तुमने फिक्स कर ही लिया है तो ठीक है। बाय। हे भगवान, अश्विन यहाँ होता तो कोई आइडिया जरूर देता। अबे अश्विन, कहाँ मर गया तू? सर टेररिस्ट है। शक्ल से टेररिस्ट लगता है क्या? अच्छा चोर है। चोर नहीं, एक नंबर का लोफर है, ये नालायक मेरा बेटा है। आपका पॉकेट छीन के भाग गया? पॉकेट नहीं, मेरा सुखचैन। ये नालायक होमगार्ड के सिलेक्शन से भाग के आया है। कहाँ गया? ए लड़की सुनो, एक सिल्की हेयर वाले किसी लड़के को देखा, वो इसी तरफ भाग कर आया है। नहीं तो? ओ नहीं देखा। ओ फूल कुमारी, ये अपनी कमर के पीछे किसे छुपा रही हो? मेरा बॉयफ्रेंड है। ओहो, वैसे भी उस लोफर की ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। चलो फिर से चकमा दे गया। उतरी। इतनी खूबसूरत कमर का ब्यूटीफुल ओनर कौन है? ओए तू? हाँ मैं हूँ। उस दिन फ्रंट से देखा और आज बैक से, और तो और कमर भी पकड़ ली। अरे जानबूझकर थोड़ी पकड़ी, इमरजेंसी थी इसलिए पकड़ी। सॉरी। सॉरी बोलने से क्या होता है? पतली कमर के लिए कितना मेंटेन करना पड़ता है। सुबह सुबह योगा, इवनिंग में जॉगिंग, आइसक्रीम खा नहीं सकते, चॉकलेट छू नहीं सकते, जंक फूड तो जहर है। इतना मेंटेन करने के बाद ये कमरे से कमर बनी है और तुमने ऐसे ही छू लिया। हो गया कमर पुराण। अच्छा तो फ्लैट हुए या नहीं? मैं उस टाइप का नहीं हूँ। कौन से टाइप के हो? एकदम डिफरेंट। वो वाले टाइप के? चॉकलेट खाओगे? क्या बात है, कल की दोपहर में शादी और उसी की रात में सुहागरात, और फिर भाड़े पे घर, और आज गृह प्रवेश। मेरे भाई तू तो बुलेट से भी फास्ट जा रहा है। किसी अनाथ की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। मुझे क्या पता था एक ही दिन में सारी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी। कुछ ऐसा कर कि पापा वो घर रेंट पर बिल्कुल ना दें। आइडिया, शूट इट। कह देंगे कि लड़की ISI की एजेंट है। अगर ऐसे पकवास आइडिया की जरूरत होती तो तुझे बुलाता। पापा को पता चला तो केस करके मुझे जेल में डाल देंगे। एक और सॉलिड आइडिया, पापा के दिमाग में ये बात डाल देते हैं कि उसका कैरेक्टर ढीला है रे। जान से मार दूंगा, घटिया आइडिया देता है। ये वाला जरूर काम करेगा। फरमाइए। घर वाले नहीं जानते कि उसका हस्बैंड कैसा दिखता है। अगर उसकी जगह हम लोग एक नकली पति भेज दें जो जाके तेरे पापा से लड़े, फिर उन्हें BP, शुगर, हार्ट अटैक ऐसी 10-12 बीमारियां हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व। ये है ना एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइडिया। बस अब नकली पति बनने के लिए बकरा किसको बनाए। ये कौन है बेटा? तुमसे ठीक उल्टा, एकदम मासूम दिखता है। ये मेरा दोस्त अश्विन है। आज से पहले तो इसे घर नहीं लाए। जो खुद अपने घर नहीं जाता वो हमारे घर क्या खा खाएगा, सही कहा ना? तो आज लाने की क्या जरूरत थी? बोलना। सीधे मुद्दे पर आ जाओ। वो किसी को आपने कल घर भाड़े पे दिया था ना, ये उसका पति है। अरे बेटा, तेरी वाइफ तो एकदम मेरी वाइफ जैसी लगती है। अरे क्या वंगास कर रहे हो यार, कहा तुम्हारी वाइफ कहा मेरी वाइफ। अरे तेरी वाइफ यहाँ मेरी वाइफ वहाँ। वो तो गई, पर तू कब जाता? ए, अपने दोस्त से कहो इज्जत से बात करे। इज्जत की भाषा तो अपने बाप ने भी नहीं बोली। ये हमारे पापा है, ढंग से बात कर।
अगर इज्जत से बात नहीं कर सकता तो इस घर में रहने का तुझे कोई हक नहीं है भैया। सही है, एडवांस मुंह पे मारो और बाहर फेंको इसे। मैं बात करता हूँ, इसकी वाइफ का फेस तुम्हारी माँ से मिलता है, बहुत ही नेक लड़की है वो, क्या कहते हो बेटा? जैसा आप कहें। ये पुरानी हवेली ट्रेन के टॉयलेट से भी छोटा घर दे रहे हैं, 20,000 किस बात के? अरे 5-स्टार होटल जितना आलीशान घर है और तुझे टॉयलेट लगता है, वो भी ट्रेन का? आओ कंट्रोल, पीछे हट जाओ। कंट्रोल, क्या बोला? तेरी वाइफ आई थी इसलिए घर में कमरा रेंट पे दिया, अगर तू आता टॉयलेट पेपर की जैसी शक्ल वाला तो पता है क्या करता? इस घर का बाथरूम तो क्या, इस घर का टॉयलेट तो क्या, इस घर के कमोड को भी किराए पर नहीं देता मैं। आप उनकी शक्ल टॉयलेट पेपर और नहीं तो क्या न्यूज़पेपर? एक फूक मारेगा तो सीधा रद्दी की दुकान पे जाएगा, चल भाग यहां से। अबे मुझे चूरन दे रहा है, 2 कौड़ी का वकील है तू? क्यों? एडवांस लेके अग्रीमेंट बनाने के बाद घर रेंट पर नहीं देगा तो तेरे पे केस ठोक दूंगा। अब आया गधा पहाड़ के नीचे, वकील को वकालत सिखाने चला है। एग्रीमेंट पर लिखे रूल्स के हिसाब से तुम लोगों को कम से कम 3 महीने तक तो इस घर में रहना ही पड़ेगा। रहूंगा, चला रहूंगा और तुझे दिखाऊंगा कि टॉर्चर किसको बोलते हैं। अबे टॉर्चर क्या कहते हैं, ये तो मैं तुझे सिखाऊंगा, देख लूंगा। चल बेटा। इन दोनों के चक्कर में मेरा टॉर्चर होगा। मेरे दोस्त, इस देश में आतंकवादी को भी सहूलत मिलती है पर मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। अबे मैंने किया क्या है? अबे तुझे मैं वहाँ डील कैंसिल करने के लिए ले गया था, तूने तो 3 महीने का चैलेंज ले लिया। अगर गलती से भी पापा को पता चल गया कि मैंने शादी कर ली है तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा और वहाँ नीलू का भाई वो तो मुझ पर अटैक कर देगा। अबे गलती तूने की, सजा मुझे क्यों दे रहा है? भेजे में ज्यादा खून घुस गया तो आइडिया नहीं निकलेंगे। अबे रुक, एक जबरदस्त आइडिया है, चल नीचे उतार मुझे। अब क्या आइडिया है? नीलू डार्लिंग, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड अश्विन। हाय। हम जिस घर में शिफ्ट होने वाले हैं ना, वो घर इसी का है। तुम एडवोकेट के छोटे बेटे हो ना? हाँ शायद वही। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? कॉमेडी। कॉमेडी, बहुत कॉमेडी शोज देखता है, कुछ ज्यादा ही फनी है। अब कॉमेडी बस कर, सीरियस हो जा। सीरियस? ऐसी क्या बात है? पापा मेंटल है, भाई नशेड़ी है, भाभी का कैरेक्टर ढीला है। यूं समझ लो कि इस परिवार को साक्षात शैतान ने बनाया। भाई नाश्ते में दारू बिस्किट खाता है, रात के खाने में ड्रग्स चावल, फिर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करता है, किसी के कमरे में भी घुस जाता है। बाहर से हमारा घर दिखता है ताजमहल, लेकिन अंदर से है और राजमहल। इतनी डेंजरस फैमिली है, ये तो मुझे भी नहीं पता था। एक सेकंड, यहाँ आओगे? आता हूँ। ग्रेट जॉब, कांग्रेचुलेशंस। अर्जुन, मैं जानता हूँ तुम क्या कहने वाली हो। एडवांस गया भाड़ में, हम दूसरा घर ढूंढ लेंगे, यही ना? वो बात नहीं है, उन लोगों ने मुझे अपने छोटे शहजादे की सारी सच्चाई बता दी है। क्या तारीफ की उन्होंने? एक नंबर का लोफर, इडियट, नालायक, राउडी है, ये सारे नाम सूट करते हैं उस पर। मेरी ये रेप्यूटेशन है वहाँ? तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, उसकी बात कर रही हूँ। मेरे फ्रेंड को कहें या फिर मुझे, एक ही बात है, नहीं चाहिए वो घर, कैंसिल इट। मैं खुद उन सब लोगों से मिली हूँ अर्जुन, बहुत ही अच्छे लोग हैं वो, वहीं रहेंगे, फिक्स, फाइनल, डन। फाइनल तो मेरा फंसना है, इसका हस्बैंड बनूं या उनका बेटा, 2-in-1 का झोल। सारा सामान साथ में लाई हो ना? जी अंकल। पतिदेव नहीं आए? जी, वो सामान के साथ आ रहे हैं। ओहो, आ रहे। ओके अंकल, मैं अंदर जाती हूँ। कैसा बड़े? बड़े चमान? सब ठीक? जरा सुनिए, सामान ऊपर रखवा दो, मुझे भैया को फोन करना है। सामान ठीक से रखवाना। हाय। सामान रखवाने के लिए मुझसे मदद मांग रही है? हरकतों के हिसाब से तुम नौकर ही लगते हो। आप भी तो हर काम में सबकी मदद करते हैं ना। चलो। बाल बाल बच गया बेटा। कैसी है सिस्टर? थोड़ा काम में बिजी था इसलिए तेरे नए घर को देखने नहीं आ सका, बुरा तो नहीं लगा ना? इट्स ओके भैया। घर अच्छा तो है ना? बहुत सुंदर है, बहुत कंफर्टेबल है। इतना पसंद है तो कब्जा कर लेते हैं। इस घर को भी तो ऐसे ही हड़पा था। भैया उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा अब मैं रखूं? अरे 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 अरे, ये मार्चिंग करते हुए किधर जा रहा है? फौज में भर्ती हो गया क्या? वो मैं, अरे बेटा मैं तो इधर खड़ा हूँ, तू ऊपर मुंडी कहाँ घुमा रहा है? सब ठीक है ना? बताता हूँ पापा,
अपने आवारापन में मैं मस्त था, लेकिन आपकी डांट ने मेरी आंखें खोल दी। अपने मेरिट पर मेहनत करके कॉल सेंटर में जॉब ढूंढ ली है मैंने। आज के बाद मैं हर रात कॉल सेंटर जाकर पसीना बहाऊंगा और दिन में घर में आराम करूंगा। कॉल सेंटर जाओगे इस जिम के ड्रेस में? वो पहला जॉब है ना, एक्साइटमेंट में कपड़े बदलना ही भूल गया। एक मिनट। बेस्ट ऑफ लक अर्जुन। थैंक यू भाभी। डियर प्रो। हाँ भैया। खूब मेहनत करना, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करूंगा। गुड, प्रमोशन की न्यूज जरा जल्दी आनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ए, हमेशा टॉप पे रहना मेरी तरह। आज से मैं टॉप पर ही रहूंगा। बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट। गुड ब्रो, ऑल द बेस्ट। बाय। मेरी कुंडली में लिखा है कि जिंदगी में बहुत ऊपर जाऊंगा, पर ऐसे जाऊंगा ये नहीं पता था। तेरे लिए जो एंटरटेनमेंट है मेरे लिए हैरेसमेंट है। दोस्त सिर्फ रम के साथ ही नहीं होते, गम में भी साथ देना पड़ता है। ये सब कब तक चलेगा यार? सिर्फ 3 महीने। रात को तुम सीढ़ी उतरोगे और मैं चढ़ूंगा, दिन में तुम सीढ़ी चढ़ोगे और मैं उतर जाऊंगा। ओके? समझ गया, समझ गया। ज्यादा नाटक मत कर और शोर मत मचाना, चुपचाप नीचे उतर। से ऊपर क्यों आ गया? नीचे तेरा बाप सारे का मापा खेल रहा है। अरे यार, अच्छा चल चल कूद के आजा। अच्छा आता हूँ जल्दी। स्वादिष्ट खाना, बनारसी पान, रात को रोमांटिक गाना सुनने का आनंद ही कुछ और है। ये सीढ़ी आखिर कब रखी थी यहाँ पर? घर में कहीं चोर तो नहीं घुस गया? पापा इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे क्या चेहरे बना रहा है, गूंगा हो गया क्या? मुंह से बोल। आपका मोबाइल खराब है, उसे चार्ज करके क्या फायदा? ए, मस्त काम कर रहा है मोबाइल, फुल चार्ज है। 50 क्रॉस कर चुके हैं, अब कौन सा एडवेंचर बाकी रह गया है? ए, एज और एडवेंचर में क्या कनेक्शन है? बालकनी के पास सीढ़ी रख के सांप सीढ़ी खेल रहे हैं क्या? मैं और सीढ़ी, इसे खिसकाने के लिए 4 लोग चाहिए, मैं इसे अकेले कैसे लाऊंगा? वही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये कैसे पहुँची? खुद चल के आ गई क्या? सच बताऊँ, यही पता लगाने तो आया हूँ मैं। क्या चल रहा है, आधी रात को शोर क्यों मचा रखा है? इस उम्र में ऐसा सब करोगे तो माँ की आत्मा को दुख पहुँचेगा। सीढ़ी और माँ में क्या कनेक्शन है, इसको बादाम खिलाती कि नहीं? अगर कल कोई अफेयर शफेयर शुरू हो गया तो? पापा जी सो जाइए ना, बच्चे भी सो गए हैं। ओके ओके, पहले तुम दोनों जाके सो जाओ। ये सीढ़ी अपने आप तो चलकर यहाँ नहीं आई होगी, कौन लेकर आया होगा? मैं भी तो नहीं लाया। इतनी उछल कूद तो बंदर भी नहीं करते, क्या किस्मत है। कोई नहीं है। ए, उठना, उठा। अबे तू इतनी जल्दी आ गया, तको जल्दी लग रहा है। अबे नीलू उठ चुकी है। नीलाक्षी, नीलाक्षी चुप जा वरना मर जाएंगे। कहाँ जाऊँ? ओ सॉरी, मुझे लगा मैं ही लेट हूँ, कॉफी और पेपर टेबल पर रख रही हूँ। कही क्या? हे भाभी कही, चल भाग।
नीलाक्षी यहाँ है तो अर्जुन के साथ कौन था? अबे क्या भाभी वापस आ रही है, लगता है उसे शक हो गया। मैं छुपता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये दो उंगली का क्या चक्कर है बताएंगे? दो कॉफी लेकर आई थी। ओह कॉफी की बात कर रही है, थैंक्स आंटी। वो दो ओह दो कप लेकर आई है, ओके डबल थैंक्स। उठे या नहीं? रुमोटे हाय हाय। कॉफी टेबल पर रख दी है, मैं लेट उठी इसलिए यही ले आई, पी लेना। पति देव रात को मेरी नींद तो खराब कर दी, अब खुद दिन भर सोगे। ये बोलो। उठो ना। कितना सोगे? अगर तुमने मुझे अभी उठाया तो रोमांस का सेकंड राउंड शुरू कर दूंगा। शुरू करूं? नो वे, मैं जा रही हूँ, जितना सोना है सोते रहो। अबे सुन, अभी तू ऑफिस जाने की एक्टिंग करना और फिर रात को टाइम पे आ जाना, ओके ना? ओके। हाँ सर, ऑफिस जा रहा हूँ। आ भाई आओ, सुना है तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो? 12वीं फेल हूँ, सॉफ्टवेयर के अंडरवेयर भी नहीं बना सकता। आ सर, इंटर सॉफ्ट, निकलता हूँ। मत करो, कोई देखेगा। देखेगा तो देखने दो। क्या कर रहे हो, छोड़ो ना। हाय तौबा, ये मैं क्या देख रही हूँ? मर गया। या अल्लाह, मैं अभी सबको जाके बताती हूँ। सुबह सुबह मुझे ये सब देखने का कोई शौक नहीं। अरे ऐसा क्या देख लिया? जो देखा वो बोल नहीं सकती, अब बोल भी दे। आपका वो देवर है ना? हाँ, क्या किया उसने? ऐसे कस के पकड़ा हुआ था उसने उसे। अरे छोड़ मुझे, किसने किसको पकड़ा? अपनी जुबान से नहीं बोल सकती। क्या? जल्दी शादी करवा दो उसकी, वरना लड़का हाथ से निकल जाएगा। हो ना हो इसी को पकड़ा होगा, इससे भी यही मिली थी। हे भगवान। चलो भाभी ने गलत समझा, यानी मैं बच गया। सुनिए जी, सुनिए ना। बोलो क्या? जरीना ने कहा कि अर्जुन की शादी करवा दो। उसकी शादी के बारे में वो तय करेगी, पैसे वो लगाएगी क्या? ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? अर्जुन ने जरीना को फिर से डांटा? अरे नहीं, उसने उसे पीछे से पकड़ा। पीछे से पकड़ा? कोई क्लास है कि नहीं? ओए हाय बड़े भैया, व्हाट्स अप? सर्वेंट के हाथ की कॉफी पियो, लंच भी खा लो, लेकिन डिनर थोड़ा आउट ऑफ द वे हो जाएगा। मैं तो माफ कर दूंगा, ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। क्या कहना चाहते हैं आप? तुमने जरीना को मैंने जरीना को क्या? जरीना को क्या? जरीना को ऐसे पीछे से चिपक के पकड़ा। छोड़िए, छी 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 अर्जुन, शादी के बाद मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान नहीं किया तुमने? शॉपिंग, आउटिंग, लॉन्ग ड्राइव। तुम्हारी बात सही है, पर इस शहर में तुम्हारे साथ घूमने का लाइसेंस नहीं है मेरे पास। अगर किसी ने देख लिया तो मेरी हड्डी पसली एक कर देगा। क्यों करेगा? हस्बैंड वाइफ एक साथ नहीं घूम सकते क्या? डार्लिंग, इतनी हॉट बीवी के साथ अगर मैं बाहर घूमने जाऊंगा तो लोग जलस फील करेंगे। अगर तुम मुझे शॉपिंग के लिए नहीं लेकर गए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ठीक है, तो कल मैं सीधा ऑफिस से मॉल पहुंच जाऊंगा, तुम भी वहीं आ जाना, ओके? Excuse me. Okay. तुम्हारे लिए सरप्राइज है। Let me guess. मैं ड्रेस ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में जाऊंगी और तुम भी मुझे ड्रेस देने के बहाने ट्रायल रूम में आ जाओगे और फिर लिप टू लिप हॉट किस। बिना सर पैर के सरप्राइज की बात नहीं कर रहा। आइसक्रीम का नया फ्लेवर निकला है, वो खिलाऊंगा। ये तुम्हारा सरप्राइज है और मुझे लगा तुमने कुछ नया सोचा होगा।
तुम्हारे लिए सरप्राइज है। पहले फास्ट फूड फास्ट फास्ट खा लेंगे, फिर मॉर्निंग शो देखेंगे, उसके बाद आराम से लंच करेंगे और आफ्टरनून शो देखेंगे, उसके बाद हम हैवी डिनर करेंगे। लेट नाइट शो। वो शो तो मैंने बेडरूम में प्लान किया है। चुप। पता है क्या सर, आज तुम्हें एक सॉलिड सरप्राइज देने वाला हूँ। हम केस जीत जाएंगे। बिल्कुल नहीं, अब तुम अपने केस की कोई बात मत करना। वो क्यों सर? क्योंकि वो केस हारने वाले हैं। अब जाए यहाँ से। सटिया गया लगता है। सर सरप्राइज। कैसा सरप्राइज? आप जिंदा है। चाहे आप डांट लो, मार लो, काट लो, जॉन्डिस से मरने के बाद आपका ये पुनर्जन्म हुआ है। जॉन्डिस से मर के फिर से पुनर्जन्म हो गया मेरा? आत्मा में बचाओ। एक सेकंड भी खड़ा रहा तो थप्पड़ मार मार के जॉन्डिस कर दूंगा। चल अश्विन, तू फैमिली के साथ आए हो? नहीं नहीं, अकेला आया हूं। अकेले हो तुम? आइसक्रीम तो दो पकड़े हो। बोले तो आपके लिए। थैंक यू। यहाँ क्या हुआ? अरे अच्छा, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी वाइफ कहाँ गई? शॉपिंग करने गई है। किसके साथ गई? किसी के साथ काय को जाएगी, अकेली है। अर्जुन क्या हुआ तुम्हें? वहाँ अंडरवेयर के साथ बनियान फ्री है, वो देख के आता हूँ। बाथरूम खाली कर लीजिए। बाथरूम नहीं, एकदम चुप रहना तू। इस वक्त बहुत क्रोध में हूँ, नौटंकी मत करना। आने दे उसे, उसे मार के उसकी फोटो पे हार चढ़ाऊंगा मैं। वो तो घर पे ही है, अपने बेडरूम में सोया है। बेडरूम में सोया है? हाँ। पांच मिनट पहले मॉल में मिला था। अर्जुन अर्जुन, अब क्या हुआ पापा? जरा शांति से सोने दीजिए ना। हमारी शांति हराम करके अपना शांति के साथ सो रहे हो? बताओ आधे घंटे पहले कहाँ थे तुम? गहरी नींद में था। गहरी नींद में नहीं, ऐसे मटक मटक के मस्ती कर रहे थे तुम ऊपर वाली के साथ। अरे राम राम। राम राम नहीं, ऊपर वाली के साथ रासलीला कर रहे थे। फ्रेंड की बाइक ले सकते हो, फ्रेंड का कार्ड ले सकते हो, लेकिन फ्रेंड की वाइफ? पापा, न्यूज चैनल की तरह अफवाहें फैलाकर उस मासूम अबला लड़की को बदनाम मत कीजिए। मैंने अपनी इन दोनों आंखों से देखा है। आपको मोती आ गया है पापा, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। ये सही कह रहे हैं, वो बहुत अच्छी लड़की है। मुझ पर शक करो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड की वाइफ पर अगर उंगली उठाओगे तो इट्स नॉट फेयर। दो दिन मुझसे बात मत करना। अबे मेरी बात सुनो पापा। यस आओ आओ। आज काफी थकी हुई लग रही हो, कहाँ गई थी? शॉपिंग के लिए। सही जवाब। कौन से शॉपिंग मॉल? मंजीरा मॉल। ये भी सही जवाब। किसके साथ गई थी? अपने हस्बैंड के साथ। ये बिल्कुल गलत जवाब। रॉन्ग आंसर कैसे हुआ? मैं आपको सफाई की दूं? हे, गई होगी इसी निकम्मे के साथ अपने हस्बैंड का क्रेडिट कार्ड लेकर। डैड आर यू मैड? एक लड़की पर इल्जाम लगा रहे, आपको ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। अपनी बर्बादी पे सीटी बजा रहा है। कह रहे वकील लोग कोर्ट बंद है या कोर्ट फट गया? औरतों की तरह गॉसिप क्यों कर रहे हो? हमारी गॉसिप के हॉट टॉपिक हो तुम। ऐसा क्या? अपनी बीवी के बारे में क्या राय है तुम्हारी? वो तो खरा सोना है सर। और मेरे बेटे के बारे में? वो फ्रेंड तो हीरा हीरा। फ्रेंड नहीं है, फ्रॉड है, फ्रॉड। क्या क्या हुआ क्या? मेरा बेटा तुम्हारी पत्नी। किराए में डिस्काउंट देके बजट के बाहर का इल्जाम लगा रहे हैं? मेरी बीवी है वो। थोड़ी देर पहले तुमसे शॉपिंग मॉल में मिला था तो तुमने कहा था तुम्हारी वाइफ भी तुम्हारे साथ है। हाँ तो शॉपिंग के बाद तुम दोनों साथ साथ क्यों नहीं निकले? अलग अलग जाने का क्या लॉजिक है? कौन बोला अलग निकले? ठीक है तो फिर साथ में घर क्यों नहीं पहुँचे? अलग अलग आने का क्या लॉजिक? अबे ये घर है सेशन कोर्ट। एक मकान मालिक और भाड़ोत्री के बीच का रिश्ता मछली और पानी जैसा होना चाहिए। मछली और मछुआरे जैसा बिल्कुल नहीं। क्या? अगर कोई बात बुरी लग गई हो तो भूल चुक माफ कर देना, और अगर नहीं कर सकते तो हमारा सामान बाहर फेंकवा दो, चले जाएंगे यहाँ से। क्या? मिस्टर रवि कुमार सुन, तुम्हारे पापा कितने बजे सोते हैं बता दो, उसके बाद ही घर में आऊंगा। ब्लडी कंफ्यूज पीपल। कंफ्यूज कहां में? मुझे कंफ्यूज समझ रहा है, असल में सबकी बत्ती फ्यूज हो चुकी है।
सौंदर्या एकदम तुम्हारी छोटी बहन लगती है, क्या मैं गलत सोचता हूँ? आज तो पकड़े जाने वाले थे, बाल बाल बच गए। आज अपनी कहानी का दी एंड हो जाता। तेरा बाप कितने सवाल पूछता है, इतने सवाल तो इमिग्रेशन वाले भी नहीं पूछते। आज से एक्स्ट्रा अलर्ट रहना होगा, जरा संभाल के उतरना। ठीक है। अरे क्या डर गया, बस इसी की कमी थी। अरे मम्मी मरी क्यों, इसका सीआईडी बाप आ रहा होगा, क्या करूं, उखाड़ देता हूं। सुना था कि रात को उल्लू निकलते हैं, ये सीढ़ियां भी इवनिंग वॉक पर निकलती हैं, पहली बार देखा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, सीढ़ी पर चढ़ के रहूंगा, मिस्ट्री सॉल्व करके रहूंगा। इस उम्र में सीढ़ी नहीं चढ़नी चाहिए। वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है बेटा, क्योंकि केस सॉल्व करने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। बूढ़ा बंदर सीढ़ी चढ़ना नहीं भूलता। बादाम खाने लगा है क्या? माँ को तो बुरा लगेगा ही, लेकिन ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। माँ क्यों बुरा मानने लगेगी? पहले बोला कि शक्ल मिलती है, अब उसके साथ टांका भिड़ा रहे। चुप, चप्पल फेंक के मारूंगा, नीचे उतर। आज तक बाप की इज्जत करना नहीं सीखा, जरा भी लिहाज शर्म नहीं। सारा माजरा समझ में आ गया, मुझे जल्दी सोने का कह के खुद यहाँ चले आते हैं ये। अरे मुझ पर मत भड़को, सीढ़ी पे पापा चढ़ रहे। मेरा नाम लगाता है उल्लू, यहाँ किसी ने सीढ़ी रख दी थी, वही पता लगाने आया था। बाप परिशक करता है गधा कहीं का। तो सफेद बालों को काला करना आप छोड़ दीजिए ना। पापा जी कल कोर्ट जाना है, चलिए सो जाइए। छे छे, तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। जिंदगी सांप सीढ़ी का खेल बन गई है, 99 पर पहुंचा नहीं कि सांप निकल जाता है। और इस सबसे ज्यादा टेंशन तो इस बात की है कि जिस दिन नीलू को पता चलेगा कि मैं अनाथ नहीं हूँ, उस दिन क्या होगा। अरे टेंशन मत ले यार, भगवान ना बहुत बिजी रहता है, इसलिए तो उसने दोस्त बनाए हैं। देख प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है, परिवार को लेके नीलू के दिमाग में जो नेगेटिव सोच है उसे बदल डाल, घर वालों के करीब ले आ, दिवाली का मौका है, फोड़ दे बॉम्ब। क्यों दोस्त, तो तुम दिवाली नहीं मनाते? अरे तेरे पास फैमिली है, अपने आगे पीछे कोई नहीं। बेवकूफ वाली बात कर दी ना, हम लोग नहीं दिखाई दे रहे क्या? ए रवि, ठीक से चक्री चलाइए ना। जाओ नीलाक्षी को ले आओ जरा। हाँ ले आता हूँ, तुम भी आओ। अरे ये क्या है? सारी दुनिया वहाँ दिवाली मना रही है और तुम मोबाइल में गेम खेल रही हो। नहीं मैं यही ठीक हूँ, हमारे साथ चल के पटाखे चलाओ ना। इसे छोड़ो, चलो आओ हमारे साथ। अरे पापा जी, ये इतनी बड़ी होके भी पटाखों से डरती है। डरने की कौन सी बात है, हम सब है ना। डरो मत, डरो मत, खड़े हो, खड़े हो। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे बाप रे, हाथ जला दिया, मामूली से जला है। क्या हो गया? ए जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ फौरन। जरा देखो जले पर क्या लगाना चाहिए। लो लो लो, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। दीजिए। बस बस हो गया, एकदम मामूली सा जला है, अभी ठीक हो जाएगा। ज्यादा नहीं लगी है, घबराओ मत। बस 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 अब ये ठीक हो जाएगा। ओके। अरे छोटी बच्ची की तरह रो रही है ये तो। आप सब लोग सच में बहुत अच्छे हैं। मेरी बहू ने मुझे बताया तुम्हें फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए तुमने एक अनाथ से शादी की। ये आजकल के जमाने की लड़कियां अपनी इंडिविजुअल पहचान बनाना चाहती हैं। मैं, मेरे पति, मेरे बच्चे, सिर्फ वही लोग उनकी फैमिली होते हैं। लेकिन जब लाइफ में कोई समस्या खड़ी हो जाती है तो फैमिली की इंपॉर्टेंस पता लगती है। अपनी फैमिली हो तो ठीक है, परंतु जॉइंट फैमिली हो तो लाइफ के माने बदल जाते हैं। चलो सब मिलकर खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। फोन किया, नो रिप्लाई। एसएमएस किया, नो रिप्लाई। नो व्हाट्सएप, व्हाट हैपेंड? मेरी प्रॉब्लम तो शेयर करने लायक भी नहीं है, तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ। भैया मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। तुम रिजेक्ट कर दोगी? मैं क्यों रिजेक्ट करूंगी,
लवर से शादी करने का थ्रिल अब खत्म हो चुका है, अब अरेंज्ड मैरिज का ट्रेंड चल रहा है। ए, 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 नारी शक्ति का दुरुपयोग मत कर। तो पहले जाकर मेरे भैया से बात करो। मेरा बाप तो मानने वाला नहीं है। पापा, तेरे इस प्यार में बटरिंग की बू आ रही है। आपसे शादी की बात करनी है। शादी? हाँ। अरे पूरे भारत देश में कोई ऐसा बाप नहीं होगा जो तुझे अपनी बेटी देगा। तू चाइना शिफ्ट हो जा, कोई सस्ती वाली चाइनीज कॉपी मिल जाएगी। पापा, ट्विटर पर फॉरेनर फॉलो करते हैं मुझे। और एक इंडियन लड़की मुझ पे लट्टू है। हे भगवान, जरूर वो अंधी होगी या पागल जो तुझसे प्यार करती है। देखिए, आपको मेरे साथ चल के उसके पापा से बात करनी है। अरे अकल के दुश्मन, अगर लड़की के बाप ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा बेटा करता क्या है, कमाता कितना है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अरे तुझे ऑनलाइन में सेल लगाकर बेचूं, अमिताभ से तेरा ऐड करवाऊं, तो भी तुझे खरीदने वाला कोई नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी लड़की की लाइफ खराब नहीं होने दूंगा। पहले अपने दम पर एक कांस्टेबल की नौकरी तो कर ले, फिर शादी के लिए छोकरी मैं ले आऊंगा। पापा क्या है? चलो चैलेंज, बारात लेके जाऊंगा, घोड़ी पे बैठ के धूमधाम से शादी करूंगा, पूरे शहर को शादी में इनवाइट करूंगा सिवाय आपके। तथास्तु। ये किसका घर है? एकदम झकास है। आज मेरे साले का है, कल मेरा होगा। यहाँ मेरा क्या काम है? देख यार, तू मेरा दोस्त ही नहीं है, तू मेरे लिए भाई से बढ़ के, तेरा आशीर्वाद चाहिए। बोल देगा ना? तेरे लिए जान हाजिर है, उतर। ये क्या? मेरा साला तेरे ससुर के डोरमैट पे क्या कर रहा है? वो हमारा जानी दुश्मन है, उसके खानदान तक को खत्म कर देंगे भैया। भाई आपकी बहन का हाथ मांगने आया है। बहन से इस नमूने के बारे में जान चुका हूँ, मेरी बहन पर बुरी नजर उठाने वाला दुनिया से उठ जाता है। इसीलिए तो चश्मा पहन के आया हूँ सर। दूल्हा मैं हूँ। तेरी कोई फैमिली है कि नहीं? आपको क्या पसंद है सर, फैमिली वाला या अनाथ? अनाथ का अचार डालेंगे, एक अच्छा खानदान चाहिए। अच्छा क्या, एक्स्ट्रा लार्ज अच्छा खानदान है। फैमिली ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलने वाला था, पर पड़ोस की शाह फैमिली जीत गई। प्रॉपर्टी वॉपर्टी है कि नहीं? शक्ल से क्या लगता है सर? देखने में तो करोड़पति लगता है। तेरा बाप 15 सालों से कोट नहीं खरीद पाया, तेरी शादी की फिल्म रिलीज से पहले फ्लॉप है। शॉपिंग के लिए आप चाइना मार्केट जाते होंगे, हम डायरेक्ट चाइना जाते हैं। सबूत देख लीजिए, चाइना का फोन, हमारे पास दुनिया की हर करेंसी है। अगर तेरे बंगलों में 2 मंजिल है तो नहीं चलेगा, 3 मंजिल तो कम से कम चाहिए। ये खिसका हुआ लगता है, 2 उंगली दिखा के 3 बोल रहा है। उंगली छोड़ औकात देख, तेरे बाप के सरकारी क्वार्टर में 2 कमरे भी नहीं है, तेरी लव स्टोरी तो पिट गई। हमारा बंगला 5 माले का है, 5। मेरी बहन कॉलेज मर्सिडीज से जाती है, ऑडी से वापस आती है। 10 किक में स्टार्ट होने वाली खटारा बाइक है तेरे पास, तेरे प्यार का तो अंतिम संस्कार हो गया। अब से वो जाएगी फरारी में और वापस आएगी रोल्स रॉयस में। अरे रईसी का सवाल है। आ? क्या बात है सुप्रिया, सुना तुमने, मुझसे कितनी लकी है। तेरे बाप का नाम क्या है? नारायण, नामचीन करोड़पति वकील। ठीक है, कल तेरे बाप से मिलने आऊंगा। नीचे गिर के नहीं मरा तो मैं मार दूंगा। नीचे बस क्या, छोटा भाई हूँ, एक छोटा सा झूठ बोल दिया तो मार देगा। छोटा सा झूठ बोला? मेरे पापा को अपना पापा बोला, वो सुनेंगे तो कितना दुख होगा। पापा पापा होता है, तेरा मेरा नहीं होता। जी तुम, अबे माँ की बात अलग होती है लेकिन बाप सबका एक ही होता है। वो मदद करेगा या नहीं जवाब दे। ए, ये कभी नहीं हो सकता। तो कूद जाऊंगा यहाँ से। हाँ तो कूद जा। लड़के को लड़की के लिए जान देते तो कई बार देखा है, लेकिन लड़का लड़के के लिए जान दे रहा है ये पहली बार देख रहा हूँ। अपने टाइम पे मुझे यूज कर लिया, अब हाँ नहीं बोल रहा। ए, यूज तो तूने मुझे किया है, मेरे बाप से लेकर पूरी फैमिली का नाम यूज कर लिया। इन दोनों के बीच जरूर वैसे वाला रिश्ता है, इसके लिए जान दे रहा है। मान जा। नहीं मानूंगा। अबे अपनी वाइफ के लिए दूसरा पति कहाँ से लाएगा? सुनो भाई, तुम दोनों की बीवी भी एक ही है, ये कैसे हुआ? क्या चाहता है तू मुझसे? अपने बाप को बोल वो मेरा बाप भी बन जाए। कुछ कहना है कहना है, कह के बुलाया फिर मुंह फेर के खड़ा हो गया। मुझे प्यार हो गया है। जरूर वो ऊपर वाली होगी। गलत है बिल्कुल। चाहे समाज को ऐसे रिश्ते से एतराज ना हो, लेकिन मैं हाँ नहीं कहूंगा। ये वो लड़की नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मुझे पता है लड़की कौन है। यहाँ जो इतना शर्मा रही है, हमारे छोटे नवाब ने मोटी जरीना को पसंद किया। मुझे आशीर्वाद दीजिए साहब जी।
मुझे आशीर्वाद दीजिए दीदी। तू तो नहा, आप जाओ। आप भी। हाँ, सदा सुहागन रहो। तुम इससे शादी करोगे ये नहीं पता था। अरे एक बात बताओ, तुम इसका भार कैसे उठाओगे बेटा? मैं जिम ज्वाइन कर लूंगी जी। बाप रे, बकवास बंद करो, मैं जरीना की बात नहीं कर रहा हूँ। वो सुप्रिया है। ये कौन है और इसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? उसके माँ बाप नहीं है पापा, लेकिन भैया और भाभी हैं। भाई क्या करता है? जमीन के कब्जों की सेटलमेंट करवाता है। शाबाश बेटा, ऐसे बताया जैसे आलोकनाथ का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ऐसे गुंडे बदमाशों के साथ मेरा रोज बरोज कोर्ट में पाला पड़ता रहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, हम उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि दो चार बचे कुछ केस हमें दे दे। पॉइंट में तो दम है, हर किस हाँ नहीं करूंगा। मान जाइए वरना अपने तरीके से हैंडल करेगा। क्या कर लेगा वो, क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल मर्डर। क्या? इधर आ। अच्छा सा शुभ मुहूर्त देख कर उन लोगों को चाय पर बुला ले। बरसात के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना की तो पूरे गांव में एक साथ बाढ़ आ गई। छोटी सी प्रॉब्लम में तेरी हेल्प मांगी थी, तूने उससे बड़े झमेले में फंसा दिया। तेरी गर्लफ्रेंड के भाई को पता चला कि मेरा बाप तेरा बाप नहीं है, या मेरे पापा को पता चला कि सुप्रिया असल में तेरी गर्लफ्रेंड है, तो शादी दूर, जिंदा रहने की गारंटी नहीं, मार डालेंगे। टेंशन अभी नहीं, ठंडे दिमाग से लेंगे, अभी शादी पे फोकस करते हैं। चलो देखते हैं। आ गया। आइए, नमस्ते। वेलकम वेलकम, ये मेरा घर है, मेरा घर है। ये मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है। ये कोई ताजमहल है क्या जो टूरिस्ट गाइड की तरह एक एक बात बता रहा है? अंदर मेरे पापा, मतलब इसके पापा है, वो बहुत गुस्से में है। वो गुंडा किस्म का लड़का आया क्या? पता नहीं। आइए आइए। एक बात बता, ये शादी की बात करने आए हैं कि मर्डर करने की? अभी शादी की बात करेंगे, बाद में मर्डर भी करेंगे। ओ। पापा जी नारायण, बड़े भाई रवि कुमार, भाभी माँ, उनके फूल जैसे बच्चे चिंटी बंटी, वन बिग फैमिली। चक्कर क्या है, ये बेगानी शादी में अश्विन क्यों दीवाना हो रहा है? करने दीजिए ना, अपनी तारीफ ही तो कर रहा है। सही है ना? हाँ। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए बैठ जाइए। हाँ बैठिए। बड़े भाई, मकान सॉलिड बना है, चका चक। भाई, ये मुझे भाई क्यों बोल रहा है? अंडरवर्ल्ड की लैंग्वेज है। उम्र के हिसाब से बहू ज्यादा बड़ी नहीं है। बहू? मैं बहू नहीं हूँ, बहू तो सुप्रिया है। एक बात कहूँ, पेज थ्री की मॉडल लगती है। पेज वन टू कोई पढ़ता ही नहीं है, पेज थ्री बनना पड़ता है। ये बात तुम कैसे जानते हो? तुम पेज फोर के हो क्या? सुप्रिया वहाँ उसके पास बैठो। बेटे के बगल में बैठने के बजाय बीच में ही बैठ गई। जोड़ी बहुत अच्छी है, दोनों कितने क्यूट हैं। क्यों भाई, नल्ले को कोई काम नहीं? कोई काम तो होगा ना बाहर। दो ब्रेड के बीच में चीज, बिस्किट के बीच में क्रीम, दोस्तों के बीच में बियॉन्से। सच कहूँ, हमारा बेटा तो हमें पसंद ही नहीं, फिर तुम्हें कहाँ से अच्छा लग गया? हाइट से मार खा गया, पर दिल का नेक है तो प्यार हो गया। इसे क्या, लंबों की हाइट कम लग रही है? कम हाइट का मतलब छोटी सोच होगी। हाँ ये हो सकता है। ओए, डिमांड क्या है, कितना लोगे? दहेज लेना और देना कानूनी जुर्म है। सुनो जी, फैमिली कितनी अच्छी है। सुप्रिया तुम बच गई, मुझसे बहुत लकी हो, है ना जी? शादी की तारीख निकलवाएं? अति उत्तम, पंडित से मुहूर्त निकलवाते हैं। पंडित किस लिए चाहिए, अभी कर लेते हैं। ए, इन दोनों को अंगूठी दे दो। अंगूठी? ठीक है भाई। सगाई की रस्म होगी, फोटोग्राफर को भी बुलवाया जाएगा, रिवाजों के हिसाब से सगाई की जाएगी, शादी का कार्ड बनाए जाएंगे, हॉल बुक करेंगे, पंडित आके मंत्र पढ़ेंगे, तब जाके शादी होगी, और कल इसकी शुरुआत होगी फोटो सेशन से। और मेरी फोटो पे तो हार चढ़ने वाला है, कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ, इतनी अर्जेंसी में क्यों बुलाया? पापा को 5 करोड़ दहेज में चाहिए। लेकिन उन्होंने तो कल ही मना किया। नींद में ही लालची हो गए। अब क्या करें? सिंपल सी बात है, कोर्ट मैरिज करेंगे, एक मंगलसूत्र, 2 मालाएं, 3-4 गवाह, 5 मिनट में काम खत्म, हो गई शादी।
ये करना ठीक होगा? एक बार रजिस्ट्रार ऑफिस चलो तो सही, पापा सीधा लाइन पे आ जाएंगे। अरे मेरी गारंटी है। एक्चुअली यू नो, मैं हमेशा से छुप के शादी करना चाहती थी। पहले क्यों नहीं बताया? चलो भागे। रजिस्टर में दोनों साइन करो। अब माला एक्सचेंज करो। एक्सचेंज मतलब पहनाओ। पहले किसके घर चले? तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ। अलग रहने के लिए एक दूसरे से शादी की है क्या? अच्छा, घर जाने की बजाय होटल रूम चलते हैं। पहले घर पहुँचो, बाकी का प्रोग्राम बाद में। दिखता नहीं है क्या? अरे इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं देती तो? पापा आप? सुप्रिया तुम अपनी बहू से ही टकरा गया। तुम शादीशुदा हो? पापा छी, पापा मत कहो मुझे। अंकल वंकल कुछ नहीं हूँ। पहले से शादीशुदा हो तुम, जरूर तुम कोई फ्रॉड और एक लुटेरी दुल्हन हो। पहले किसी से नकली शादी करती हो, फिर नशीली चीज खिला के उसको लूट लेती हो। लुटेरी दुल्हन बोला तो भाई से बोल के आपका घर लुटवा दूंगी। मेरी शादी तो आप ही के बेटे से हुई है। मेरे बेटे से? हाँ, वो आज सुबह ही कोर्ट में शादी हुई। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। इंसाफ न मिला तो गांव की पंचायत में जाऊंगा। मैं शादी के लिए राजी था तो बिना नोटिस रजिस्टर मैरिज क्यों की? इसे सीढ़ी वाली बात का पता तो नहीं चल गया? चुप्पे, कुछ बोला तो कुत्ते की तरह काट खाऊंगा। दहेज के लिए 5 करोड़ क्यों मांगे? मैंने केस हारने पर क्लाइंट ने भी कभी इतनी बेइज्जती नहीं की। अपना इल्जाम साबित करने के लिए कोई गवाह या सबूत है? ए काला कोर्ट, अपनी ये वकालत कोर्ट में जाके झाड़ना। यहाँ वकील भी मैं हूँ और सजा देने वाला जज भी। सब आप ही कर लेंगे तो कोर्ट में क्या जज और वकील झक मारेंगे? ये केस तो होकर ही रहेगा। चलो अपील फाइल करते हैं। अबे मुर्दे को केस करते हुए देखा है कभी? बिना धमकी बात नहीं कर सकता, हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगा। अबे दिखाता हूँ तुझे, आ जा। शांति से काम लो, कूल कूल। पापा, फोटोग्राफर को बुलवाना, कार्ड छपवाना, रिश्तेदार को बुलवाना, पंडित को बुलवाना, इतना तामझाम क्यों? इन लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो झगड़ा किस बात का? हा? जब समधी बन ही गए तो क्यों इस तरह लड़ना झगड़ना? क्यों ना आगे के फंक्शंस रखें? इंटेलिजेंट सजेशन, ऐसा ही होगा। या दैट्स ऑल। क्यों बेटा अर्जुन, क्यों किया ऐसा? क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, इतने खेल तो है ना, फिर लाइफ के साथ क्यों खेल रहा है बेटा? इतने दुखी क्यों है पापा? मुहूर्त निकलवाते, फोटो खिंचवाते, वेडिंग कार्ड छपवाते, रिश्तेदारों को बुलवाते, तुम्हारी ग्रैंड मैरिज के लिए ग्रैंड 5-स्टार होटल बुक करवाते। ऐसा क्यों किया बेटा? किसी अनाथ की तरह रजिस्टर्ड मैरिज का रास्ता क्यों चुना? ये आपको किसने बताया? और कौन बताएगा, मेरी बहू ने बताया। मतलब आपने बहू को फैमिली में एक्सेप्ट कर लिया? उसके भाई को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, मुझे भी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये चुपके से शादी करके क्या फायदा? फ्री के गिफ्ट्स का नुकसान हो गया ना। ये छोटी सोच वाला आदमी उन बेकार की गिफ्ट्स की चिंता करता है। कथा कहीं का, एक लड़की के चक्कर में इतने लफड़े करने के बाद भी बेशरम ऊपर ही ताके जा रहा है। क्या लफड़े किए? तेरी शादी शास्त्रों के हिसाब से नहीं हुई, ठीक है ना, इसलिए अपने समाज की रस्मों के हिसाब से सुहागरात का प्रबंध किया है। फिर से सुहागरात? वो तो हो चुकी है। हो चुकी है। आज के बच्चे कुछ ज्यादा ही तेज हैं। सुहागरात खेल खेल में ही मना लेते हैं। आजकल के सीनियर सिटीजन भी सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो ये लूडो तो खेल ही सकते हैं ना। हम सीनियर सिटीजन की संतुष्टि के लिए कमरे को अंदर से बंद कर लो, फिर जो मर्जी है करो। दुल्हन से कह देना सुबह शर्माते हुए कमरे से बाहर निकले, हम इतने में ही खुश हो जाएंगे। यही तो रिवाज है। तुम क्यों शर्मा रही हो भाई? मुझे सुहागरात पसंद है। ऐसा क्या? हाँ। तो फिर तू ही दूध लेके अंदर कमरे में चली जा। बड़ी आई सुहागरात मनाने वाली, चल भाग यहाँ से। अर्जुन, ये दूध का ग्लास लेके जा। ये मैं लेके जाऊँ? उसे लाना चाहिए ना। अरे वाह, जैसे कि सब कुछ रूल्स के हिसाब से हो रहा है। चल ग्लास पकड़, ये लो। अब अंदर खिसक। सेकेंड टाइम फर्स्ट नाइट, पहले से धमाकेदार होगी। Ah!
चिल्लाने की आवाज सुनी? आखिर भाई किसका है? असली मर्द का भाई है। चिल्लाना बहुत अच्छा था, तू चुप रह। याद है ना, तू भी इतना ही चिल्लाई थी। तुम्हें क्या पता, तुम तो आते ही खर्राटे मारकर सो गए थे। अर्जुन पास मत आना, ये बहुत रॉन्ग है। ए, जी जी जी, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। यहाँ नीलाक्षी को होना चाहिए था, तुम क्या कर रही हो? अश्विन और मेरी सुहागरात पर नीलाक्षी का क्या काम? तुम्हारे और अश्विन की फर्स्ट नाइट है? हाँ। तुम्हारी शादी कब हुई? आज सुबह कोर्ट में। अश्विन, ओपन योर माउथ। ड्रिंक एंड ड्राइव का टेस्ट लोगे ना? हैप्पी न्यूज, आज ही मुझे अपने बेटे के रजिस्टर्ड मैरिज के बारे में पता चला। मतलब बात लीक हो गई है? यस। कोई लफड़ा नहीं हुआ? मर्डर की नौबत तक आई थी, वकील हूं ना, अपने दिमाग से मैटर सॉल्व कर दिया। आज उनकी फर्स्ट नाइट भी अरेंज कर दी। मुझे यकीन नहीं होता, मेरी तो लाइफ सेट हो गई। बेटे की फर्स्ट नाइट से तेरी नाइट सेट हो गई, क्या मतलब? अब रात को मुझे छुप के नहीं आना पड़ेगा ना? ए, क्यों नहीं आओगे? तुम्हारी पत्नी रात को अकेली रहेगी। सर, एक छोटा सा डाउट है, किसकी सुहागरात है? क्या बात कर रहा है, मेरे बेटे और सुप्रिया की? सुप्रिया! सर, कहाँ चले? सुहागरात तो अंदर चल रही है, तुम क्यों फड़फड़ा रहे? सर, मेरी गाड़ी कोई और चलाएगा तो तकलीफ होगी ना। अरे, तुमने नई कार खरीदी? कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। अरे इधर आ। सुन, जब कोई अपने लिए नई कार लेके आता है ना, खुद नहीं ड्राइव करना चाहिए, ड्राइवर आगे और खुद पीछे बैठना चाहिए। ड्राइवर से गाड़ी चलवाने का मजा है। क्या गलत है सर? अरे कुछ गलत नहीं है, जानता है ना क्या है? एक्सपीरियंस नहीं है तुझे, क्योंकि तू नया है ना, और ड्राइवर पुराना खिलाड़ी रह चुका है। अब एक काम कर, ये मुंह मीठा कर, फिर नींद की गोली खा के अच्छे से गहरी नींद में सो जा। ये बाप बेटे कार में कितने डेंट लगाएंगे। सुप्रिया, ये तुम्हारे पापा है तो अश्विन के पापा कौन है? पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। उसने कहा वो करोड़पति है। मंडल मारा, उनका नाम कोटेश्वर राव है। अब तो मेरा भाई पक्का अश्विन को मार डालेगा। ऐसा नहीं होगा, अश्विन तो मेरे हाथों मरेगा। अबे क्या कर रहा है? अबे रुक। अरे पागल की तरह क्यों पड़ा है मेरे पीछे? नहीं नहीं, रुकूंगा नहीं, बचेगा तू। पहले डंडा फेंक, जान ले लूंगा तेरी। डंडा फेंक, बिना बताए शादी कर ली। क्या कर रहा है, पागल हो गया? अरे शादी नहीं करता तो और क्या करता यार, जल्दबाजी में कर ली शादी। अरे यार, तेरी वजह से मेरी जिंदगी सैंडविच बनकर रह गई है, एक बीवी ग्राउंड फ्लोर पर, दूसरी फर्स्ट फ्लोर पर। तू जानता है मेरी फैमिली ने क्या किया? मुझे उसके रूम में धकेल दिया। और तूने क्या किया? इसने कुछ नहीं किया, जो किया मैंने किया। ए, ज्यादा मुंह मत फाड़, मैंने बस उससे कुछ सवाल पूछे, इतना ही। कोई रास्ता नहीं था इसीलिए सच बता दिया। पहले दिन से मुझसे झूठ बोल रहे हो, जान ही ले लूंगी। आज रात भर सच बोलूंगा, चलो। ऊपर वाला कमरा। ओ, किराए का कमरा चाहिए, खाली नहीं है कमरा। तुम्हारी किरायेदार मेरी बहन है। ओहो, तो भाई हो उसके। जाओ जाओ। नीलाक्षी भैया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, अर्जुन तो ऑफिस में रहता होगा। पूरे दिन तुम बिल्कुल अकेली होती हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैं आपको सच बताऊं भैया, शादी से पहले मैं हमेशा यही सोचती थी कि सास ससुर का होना अभिशाप है। लेकिन शादी के बाद एक जॉइंट फैमिली में रहना मुझे वरदान जैसा लगता है, अकेलापन महसूस ही नहीं होता। और आपको एक बात बताऊं, अर्जुन मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देता। उसके साथ रहकर मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। तुम खुश हो, मुझे और क्या चाहिए? देख मैं कैसे सब फिट करता हूँ। जमाई को मेरा नमस्ते बोलना। बोल दूंगी। अच्छा तो चलो। बाय भैया। 25 रुपए कम हो गए तो। बात क्या है, अपने बहनों को छोड़ के अर्जुन के गले क्यों लग रहा है? सेम डाउट। थैंक यू। अर्जुन इसकी बहन के गले पड़ता है, इसकी बहन अर्जुन के गले पड़ती है, मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। कंसोलिंग सर, अब इसकी किस्मत मेरी जितनी अच्छी नहीं है ना, और वैसे भी दुख के समय कोई किसी के भी गले लग सकता है। आग गले लग जा।
इन दोनों को क्या दुख हो सकता है? पापा, आप चाहे तो मुझे गले लगा लीजिए साहब। पकड़ काट लूंगा, चल भाग। सीढ़ी के जगह पे पहुंचने से पहले ही आज पहुंच गया। आज जो मुझे सीढ़ी चढ़ते हुए मिला ना, वो मौत की सीढ़ी चढ़ेगा। मुझे मालूम ही था ऐसी छिछोरी हरकत इस नालायक के सिवा कौन कर सकता है। बाप रे, अश्विन तो इस अर्जुन को अपना सबसे प्यारा दोस्त मानता है। नीलू तेरे इंतजार में तड़प रही है और नीचे सुप्रिया तेरे लिए बेचैन है, जल्दी जा। ये तो सुना था कि लोग अपना फोन एक्सचेंज करते हैं, अपनी गाड़ी एक्सचेंज करते हैं। ये पहली बार देख रहा हूं कि लोग अपने बाप रे, ये मेरा घर है या रेड लाइट एरिया? इज्जत नीलाम करवा दी इन लोगों ने। अरे बाप रे, मर गया, कोई बचाओ। क्या हुआ पापा जी? अरे समझाया था ना, सीढ़ी चढ़ने की उम्र नहीं है। अंकल, ये आपकी आवाज थी ना, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जाके सो जाओ। नहीं, नहीं हो सकता, रात को सोना पाप है। रात को सोना पाप है, इसकी क्या वजह है? अरे है वजह, रुको। ए लड़की, हाँ? तुम्हारे कमरे में जो आदमी है उसे बुलाओ। सुनो, अंकल बुला रहे हैं। बड़े बड़े नेता, फिल्म स्टार लोग जैसे हाथ हिलाते रहते हैं ना, उससे कहो वैसा ही हाथ हिलाए, सब लोग ऊपर की तरफ देखते रहना। अरे हर बाप चाहता है कि उसका बेटा जिंदगी में नई ऊंचाइयों को छुए, लेकिन ये कभी नहीं चाहता है कि उसका बेटा सीढ़ियों पर चढ़कर किसी दूसरे की बीवी के कमरे में घुस जाए। रात को पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे? अबे तुझे ऊपर से हाथ हिलाने को कहा था, नीचे क्यों आ गया? बड़ों को हाथ दिखाना बैड मैनर्स है, ऐसा श्री न्यूटन ने कहा है। न्यूटन का थर्ड लॉ भी पढ़ा है कि नहीं? जो ऊपर गया है वो नीचे भी आता है। अभी तो आप ऊपर है। मुझे सही सही बताओ, कौन किसके कमरे से निकला? मैं अपने कमरे से निकला। और मैं अपने कमरे से? एकदम झूठ, ये तुम्हारे कमरे से निकला है और तुम इसके कमरे से, दोनों ने कमरे की अदला बदली की। अरे पापा, कपल्स को क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं, सो जाइए ना। तो चुप कर, ये दोनों कंफ्यूज कर रहे हैं और तुम सब कंफ्यूज हो रहे हो। मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, मतलब ये है कि यहाँ एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। एक्सचेंज वैक्सीन नहीं, आप पागल हो रहे हैं। मेरी बात सुनो, कल से इनको 1.5 किलो बादाम का हलवा खिला देना, दिमाग ठीक हो जाएगा। और रात को खाने के बाद दही में नींद की गोलियां, ताकि घोड़े बेचकर सो पाए। वार्निंग दे रहा हूँ, आगे से ऐसा हंगामा किया ना तो बिना सोचे समझे वृद्धाश्रम में भिजवा दूंगा। ए जी, ऊपर क्यों नहीं आते? और तुम सीधे अंदर चलो। ये हुई ना बात, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब मुझे ये बताओ, कौन किसके कमरे में जाएगा? We are hurt, इसलिए मंदिर जाएंगे। भगवान के सोने का टाइम है और ये लोग मंदिर जाएंगे। नो आर्ग्यूमेंट्स, गो टू स्लीप। घर है क्या अजायब घर? सच बता रहा हूं पर कोई मानने को तैयार ही नहीं होता। मैं शर्त लगा सकता हूं, ऐसे रास्तों पे चल के इनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। न जाने ऐसे घनघोर पाप के लिए इन सब गधों को क्या कीमत चुकानी पड़े। Oh my baby darling, gotta tell you good morning. Every time I feel you, the sun is full of shining. No! कृष्णा, बाप रे, खुद ही रासलीला में बिजी हैं तो। हे श्री राम, बेटे को बुद्धि आप ही दे सकते हैं। स्वामी, श्री राम जैसा बेटा चाहिए था, ऐसी ही परवरिश भी दी थी, फिर कृष्ण का डीएनए इसमें कहां से घुस गया? अब आप ही से संस्कारों की शिक्षा दीजिए। जब तक नीलाक्षी की सोच नहीं बदल जाती, मेरे हरिश्चंद्र जैसे बाप से उसे बचाए रखना
पुजारी जी, जजमान एक लैंड पर कब्जा किया है, भूमि पूजन करने का है। जजमान ये मेरे से नहीं होगा। हाँ कोई बात नहीं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जीजा जी, जीजा, जीजा जी, ब्रदर इन लॉ, कहाँ है तेरा जीजू? मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूँ, अश्विन है। कौन अश्विन? मजाक छोड़ो, आप ही तो मेरे जीजा हो। ये तुम्हारा जीजा नहीं, मेरा बेटा है। लेकिन आप तो अनाथ है ना? हाँ, फुल मेंटल है पापा। अच्छा एक भाई भी है। पी के आया क्या बे? मतलब जीजा जी अनाथ नहीं है। चुप, नहीं तो चप्पल से मारूंगा, वो भी नई वाली नहीं पुरानी वाली से। मैं इसका बाप, ये भाभी और वो भाई, ये इसकी वाइफ। इतने रिश्ते होते हुए अनाथ कैसे हो सकता है? आदमी है पजामा। वाइफ? तुम तो गजा की बहन हो ना। इधर आना। मम्मी, मेरे जेठ का अपमान कर रहे हो। साले को पिटते हुए देख रहे हो जीजा जी? ये जीजा जी, जीजा जी क्या है? सर अब आप ही डिसाइड कीजिए, आपका बेटा अनाथ है या आप ही इसके बाप हो। ये तो गया। चलो बता। पापा। कम पिया कर। सर आप तो अच्छे इंसान लगते हो, आप ही सच बता दीजिए ना। झिंगुर तू मेरी फैमिली को फेक समझ रहा है, एक चमाट मेरी तरफ से भी। ये मुझे कितना भी कंफ्यूज कर लो लेकिन सच्चाई जान कर ही रहूंगा। दीदी, दीदी क्या हुआ रघु? जमीन की डबल रजिस्ट्री की तरह जीजू ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी बीवी के साथ मंदिर भी चले गए। अरे आज तो वो हॉस्पिटल गए थे, तुमने किसी और को देखा होगा। अर्जुन बुखार है इसीलिए थर्मामीटर मुंह में ही रखा हुआ है, सुबह से लेटा हूँ। किसी पर गलत इल्जाम लगाओगे तो पाप लगेगा। वहाँ मंदिर में कौन था? दुनिया में हर इंसान के साथ हमशक्ल होते हैं, इतना भी नहीं पता? किसी के साथ हमशक्ल तो हो सकते हैं लेकिन पूरी फैमिली कैसे हमशक्ल हो सकती है? नीलाक्षी, हाँ पापा ने बताया भैया बीमार है। हाँ। क्या हुआ? उन्हें 108 बुखार है, थर्मोमीटर को लॉलीपॉप की तरह चूस रहे हैं। दीदी जीजू का इसके साथ टाका भिड़ा है। ए रघु, ये कोई सेकंड वाइफ नहीं है बल्कि ये ओनर के सेकंड बेटे की फर्स्ट वाइफ है। तुम बहुत भोली हो दीदी, जानती हो नीचे बेडरूम में सोने वाला दूसरा बेटा यही ढरकी है। भैया पर इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती? मंदिर में क्या कहा था कि ये तेरा हस्बैंड है? मतलब सुनिए ना, ये आदमी कह रहा है कि भैया को देख के मुझे कुछ कुछ होता है। ओ, तुम इसके पति हो? बहुत ही सही मौके पे आए हो, तुम्हारी बीवी का मेरे जीजू से टाका मिला है। थैंक यू यार, मेरी बीवी अपने जीजू को बदनाम करता है। मुझे तो झोल लगता है तुम सब मिले हुए हो। बहुत हो गया रघु, अभी के अभी इन सब से माफी मांगो वरना भैया से तुम्हारी शिकायत करूंगी। तुम भाई को बताओगी? उससे पहले मैं ही बता दूंगा किसने किससे शादी की है, कौन किसके साथ रह रहा है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, मेंटल हो जाऊंगा मैं। ये तो मरवाएगा अश्विन, आज हम दोनों नहीं बचेंगे, इसे रोका नहीं तो यहाँ से अपनी अर्थी उठेगी। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, इसे इतना कंफ्यूज करूंगा कि भाई की जगह सीधे पुलिस स्टेशन में जाएगा और वहाँ से पागल खाने में। आज या तो मैं नहीं या फिर वो नहीं। बड़ी जल्दी में हो गए, छोड़ दूं? भाई गिरी का एक नया कॉलेज खुला है, वहाँ लेक्चर देने जा रहा हूँ, चलोगे? अबे प्यून की औकात नहीं, लेक्चर क्या देगा? जैसे ही मैं गजा भाई को सच बताऊंगा ना तो वो तेरी खाल उधड़ेगा और उसे मैं हाफ पैंट बनवाऊंगा। ओ, मतलब सीधे पुलिस स्टेशन जा रहा है? मैं भला पुलिस स्टेशन क्यों जाऊंगा? तुझे पता नहीं चला गजा भाई को अरेस्ट कर लिया? गजा भाई को अरेस्ट किया? देख रहा हूँ पुलिस स्टेशन की मैं चाय बंद करवा दूंगा, शहर की सारी बसों की हवा निकाल दूंगा, पुलिस स्टेशन में चूहे छोड़ दूंगा। अबे सिर्फ भाव भाव करके भौंकता रहेगा, काटेगा भी। चल पीछे बैठ, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। तुम नालायकों को मैंने कितने मिस कॉल किए, किसी ने कॉल बैक नहीं किया, मुझे गुस्सा आ गया, SMS भेजा, रिप्लाई नहीं किया, मेरा पारा 10 डिग्री और चढ़ गया। मैंने सबको ट्विटर किया कि ये उल्टे सीधे काम छोड़ दो, किसी ने फॉलो नहीं किया। मैंने ईमेल किया, उसे भी स्पैम में डाल दिया, इसीलिए तुम सबको मजबूरन अरेस्ट करना पड़ा। तुम्हें दंगल चाहिए ना? अब होगी मेरे और तुम्हारे बीच दंगल। जी मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना था। ए, तुम तीर्थ यात्रा पर गए तो नेताओं को फर्जी वोट कौन दिलवाएगा, बिल्डर से हफ्ता वसूली कौन करेगा? दुनिया के प्रोग्राम की तुमसे शुरुआत करें। कांस्टेबल्स, बातों से नहीं लातों से काम लो, शुरू हो जाओ। घर में दर्शन नहीं देते, सीधे पुलिस स्टेशन में प्रकट हो गए। प्रभु पैसे मांगने आए हो? नहीं नहीं, ये गजा का आदमी है, फौजरी का केस हो किसी भी केस में इसको अरेस्ट कर लो बस। अरेस्ट कर लो? गजा भाई का है, समझ गया, मुझे फंसाया गया है। ए, पकड़ लो इसे, पकड़ लो। रियली आई लव यू माई सन, आई लव यू राजा। अश्विन क्या ये तेरा बाप है? तुझे शक है मेरे बाप होने पर? मैं इसका बाप हूँ और ये मेरा बेटा है। जबरदस्ती बेटा मानने से इसके बाप बन जाओगे? इसका बाप एडवोकेट नारायण है, इन्हें सच क्यों नहीं कहते? नो कमेंट्स। पहला नो कमेंट्स कहा? बेटा लोगों को बता दो वरना वो बातें करेंगे, बोल दो कि मैं ही हूँ तुम्हारा इकलौता बाप। पास। हा? हा? पास कहा तुमने? कौन बनेगा रोडपति चल रहा है क्या?
बेटा एक बार कह दो सबसे कि तुम मेरी औलाद हो। बेटा जानते हो ना बॉलिंग मैंने की है, फिर उसकी विकेट किसी और को नहीं मिलनी चाहिए बेटा। जवाब देने के लिए कुछ चाहिए, ऑडियंस पोल। नानी दादी बेटा, अब तुम्हारा बाप कौन है ये ऑडियंस तय करेगी। इससे तो अच्छा होता कि तुम मुझे फांसी पर चढ़ा देते बेटा। सॉरी, सभी ऑप्शंस गलत। सर सर, कहाँ जाकर अपना मुंह छुपाऊं? थोड़ा कंफ्यूजन है, आपकी बात माने या आपके बेटे की? सर क्यों ना कॉम्प्रोमाइज कर ले सर। नो कॉम्प्रोमाइज। रघु को बंद करवाने गया पर पासा उल्टा पड़ गया, दिमाग भी काम नहीं कर रहा, किस्मत ही खराब है। पहले कपड़े धो लेना उसके बाद सफाई करना। कैसी हो? मैं वही करने जा रही थी। मेक साहब ये गिर गई। अरे क्या हुआ इसे? आंखें खोलो नीलाक्षी, उठो नीलाक्षी, आंखें खोलो। क्या हुआ? डरने वाली कोई बात नहीं है, तुम पापा बनने वाले हो। थैंक्स आंटी। नीलू अब कैसी तबीयत है? कॉन्ग्रेचुलेशंस, वाइफ की पोस्ट से प्रमोट होके अब तुम मॉम बनने वाली हो। मैडम आज से आप रानी की तरह रहेंगी, घर का बाहर का कोई काम नहीं करेंगी, बस आराम फरमाएंगी दिन भर, ससुराल वाले आम खाने को कहेंगे और मायके वाले इमली। जब तक आपका बच्चा ना हो जाए आपको बच्चे की तरह रखा जाएगा। अपना मुंह बंद रख, इस बेचारी की ऐसी किस्मत कहाँ, इसका पति तो अनाथ है। सॉरी नीलाक्षी, इसे नहीं पता ये क्या बोल रही है, तुम माइंड मत करना। अपने अकेलेपन से कभी दुखी मत होना, हम सब है ना, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हारी गोद भराई की रस्म हम करेंगे, अब तो खुश हो ना। हमारे लाइफ की सबसे बड़ी खुशी भी हम साथ में शेयर नहीं कर पाए। दिल छोटा मत कर यार। जरीना पहले यहाँ की सफाई कर दे। जी मैम साहब, अभी कर देती हूँ। अर्जुन भाभी चली गई। नीलू तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ मत कहो अर्जुन, मुझे पता है तुम क्या कहोगे। तुम ये बात मेरे भैया को बताना चाहते हो है ना? अच्छा सुनो, पहले हम मंदिर जाएंगे और फिर शाम को दोनों भैया से मिलने जाएंगे। भाई वो अश्विन ने बिना कत्ते का चूना लगा दिया। साफ साफ बोल, आपकी बहन से शादी करने वाला एडवोकेट नारायण का बेटा नहीं है, वो ऐसा एक कोटेश्वर का बेटा है। कोठी तो दूर खुद की खोली भी नहीं है, कार तो छोड़ो बाइक की भी औकात नहीं है उसकी। लुक्के के पास करोड़ों तक क्या, चप्पल का भी पैसा नहीं है, एक नंबर का भंडलबाज है, उसे जिंदा मत छोड़ना। चलो रे भाई। भाई जीजा जी ने तो हमें अच्छा खासा बेवकूफ बना दिया। क्या किया उसने? वो अर्जुन अनाथ नहीं है, उसकी एक फैमिली भी है। हमें झूठ बोला कि वो दीदी से प्यार करता है। आपकी बहन को धोखा देके उसने और एक शादी कर ली, वो भी गजा की बहन से। मुझे तो पूरा यकीन है कि वो गजा का ही आदमी है। भाई मुझे तो अब दीदी की फिक्र होने लगी है। अर्जुन बस अब और झूठ नहीं बोलूंगा। नीलू के मंदिर से लौटते ही उसे पापा के पास ले जाऊंगा, कहूंगा कि यही इस घर की बहू है, फिर जो होगा देखा जाएगा। तुम सुप्रिया को लेकर जा सकते हो। पक्का ना? 100% श्योर। साहब जैसा आपने कहा था, उस सीढ़ी को काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सुप्रिया जान छोटी, आज से ऊपर नीचे का एक्सचेंज ऑफर बंद। बिल्कुल। सोचा सीढ़ी कटवाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये तो खुलेआम जा रहे हैं। ए, मेरी बहू को भगा के ले जा रहा है तू? तुझ पर धोखाधड़ी का केस ठोक दूंगा मैं। नोटिस व्हाट्सएप कर देना। क्या? एकदम सही टाइम पर आई है। अरे मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ अंकल? तुम्हारा पति मेरी बीवी, नहीं नहीं, मेरे बेटे की बीवी को लेके भाग गया। This is too much, अंकल। मैं अभी जाकर भाभी को बताऊं क्या? अरे नहीं, इस उम्र में बड़ी बहू को कौन ले जाएगा, सब समझाऊंगा। पहले स्कूटर पकड़ो, पकड़ो पकड़ो। पापा ये पाप है। भगा स्कूटर, भगा। माँ की शक्ल कह रहे थे, खुद ही भगा के ले गए। चला के बैठ।
आना बैठना। अरे पकड़ के बैठ। अरे सुनिए, मुझे छोड़ के जरीना को ले जा रहे हो, सुनिए। सोचा था राज खुल जाएगा, लेकिन यहाँ तो डबल लफड़ा हो गया। वाट लगे अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन क्या हुआ भाई? अपने भाई को देखो, जरीना को लेके भाग रहे हैं। अरे नहीं नहीं, वो कोई और होगी, मैं आपको ले चलता हूँ, चलिए। अर्जुन जल्दी चलो, मुझे तो पहले से उन दोनों पर शक था। बाहर निकल, जल्दी आ। यहाँ कोई नहीं है सर। ऊपर वाला किराएदार साहब की छोटी बहू को लेकर फुर हो गया है, और साहब रेंट पर रहने वाली लड़की के साथ फुर हो गए हैं। इस घर का बड़ा बेटा नौकरानी के साथ चला गया है, और छोटा बेटा भाभी के साथ। बकवास बंद कर, कहाँ गया बता? अरे सब के सब हाई स्पीड में हाईवे पे गए हैं। जल्दी चल। कहाँ जा रहे हैं हम? आउट ऑफ कवरेज एरिया। लेकिन वो क्यों? अरे हमारा भांडा फूट गया है। अरे गाड़ी चलानी भी नहीं आती, डायरेक्ट टॉप गियर में भगाओ। अरे अंकल इसमें गियर नहीं होते। गाड़ी में गियर नहीं है और पति में ब्रेक नहीं है। रुको पापा, कस के पकड़ना। भगाओ भगाओ भगाओ, भाग दंडो भाग, तेरी पसंदी की इज्जत खतरे में। अरे पापा खुद को राजेश खन्ना समझ रहे क्या? सारी शर्म बेच कर खा गए। अर्जुन तेज भगाओ ना। वो देखो आपकी बहन को लेकर भाग रहे। गाड़ी घुमा। हेलो हेलो, पापा स्कूटर रोकी है। मैं नहीं रुकने वाला, तेरा फ्रेंड तेरी बीवी को भगा के ले जा रहा है। पापा जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप खामखा अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हैं? थू, फोन काट गए। भाई देखिए जीजा जी किसी और को लेके भाग रहे हैं। बच के जाने ना पाए। गाड़ी भगा, पीछा कर। छोड़ दो ना सर। हरगिज नहीं, टेररिस्ट को छोड़ सकता हूँ, किलर्स को छोड़ सकता हूँ, लेकिन लड़की को भगाने वाले को कभी नहीं। सर आपका लड़का एक लड़की को भगा के लेके जा रहा है। ओ तेरी। सर उसे छोटे बुड्ढे को देखिए। उस तरफ ले चलो। जो भी हो सबको जेल में पहुंचाता हूँ, गाड़ी में बैठो। आपने उन दोनों को छोड़ क्यों दिया सर? मैं क्या राजा हरिश्चंद्र हूँ जो अपनी बात पर अड़ा रहा हूँ? चलो जल्दी उनका पीछा करो। तेल खत्म हो गया सर। ये तो एग्जाम के बीच पेन की स्याही खत्म हो गई। अब खड़े क्या हो, गाड़ी का इंतजाम करो। सर ये ड्रिंकिंग टाइम है सर। अरे लाइसेंस भी नहीं है मेरे पास। जल्दी तू मेरी बगल में बैठा है, एक ऑफिसर की बराबरी करेगा। चलो सर, सीट खाली थी इसलिए बैठ गया, सॉरी। शमशान में जगह बहुत खाली पड़ी है, वहाँ चला जा। अरे जल्दी चलो। मुफ्त का बहुत माल खाया है, जोर दिखा। हाँ सर। अरे सुन, गाड़ी तेज चलाकर इसे तेज बुखार आ गया है, तेरे पास कोई दवाई है क्या? हाँ सर, रात में खाने वाली है। ओ तेरी, तुझे भी उसकी जरूरत पड़ गई? सॉरी सर। आगे मेडिकल शॉप पर रोकूं क्या सर? नहीं नहीं, मेडिकल शॉप पे नहीं, दारू के ठेके पे रोकना, वहाँ हर मर्ज की दवा मिलती है। ओ तेरी, उसकी जरूरत नहीं, आगे बढ़ो। अरे रुकी क्यों? रुका नहीं, बाइक रुक गई है। ओए शाने, झूठ बोलने की मशीन है तो। रिच फैमिली बोल बोल के हमें उल्लू बनाया, भाई के साथ फ्रॉड करेगा। मैं आपको झूठ की वजह समझाती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना। ए, अब इसके हाथ पैर तोड़ दे और बहन को घर ले जा। ए! जल्दी भाग यहाँ से। अरे पकड़ो उसे। जल्दी जा, पकड़ो उसे। अश्विन जाके अर्जुन की हेल्प करना, मेरा ईगो हर्ट हो रहा है। और मेरी बॉडी हर्ट होगी उसका क्या, जाने तो जाने। रोको 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 रोको। ए, क्या रे? एडवोकेट नारायण के घर से तू उसकी बहू को किडनैप करेगा, क्या समझ रखा है तूने? और तू कैसे राजी हो गई? देख क्या रही है, अपने पति से सवाल क्यों नहीं करती? ये मेरा पति थोड़ी ना है, ये तो आपका बेटा है ना। कौन से एंगल से बेटा लगता है? चल वो गबरू, वो मेरा बेटा है। कौन से एंगल से आपका बेटा है? वो आपका बेटा कैसे हो सकता है? वो तो मेरे पति हैं। तेरा पति कहाँ से हो गया? मेरा बेटा है ये जोकर, तेरा हस्बैंड है। अंकल
आपकी नजर में वो आपका बेटा और मैं आपकी बहू, और मेरे एंगल से ये मेरा पति, तो मैं हूँ ही ना आपकी बहू। ये एंगल ट्रायंगल मैं नहीं जानता। अर्जुन मेरा बेटा है, तू मेरी बहू है, दैट्स ऑल मी लॉर्ड। देखा भाई, हमने जीजा जी गलत चुन लिया। ये है उनकी दूसरी जोरू। यू मीन सेकंड वाइफ? एक और एंगल। अरे आप कुछ नहीं जानते यार, जरा चुप रहो। मैं चुप हो जाऊं? मेरी बहन के साथ चीटिंग की, मारो उसको। आप उनके बेटे को हाथ नहीं लगाने का, कम है तो उसके बाप का सामना करो। ये क्या लगता है, सब मेरे बेटे से ही पिटेंगे? ये तो गए। अरे इस तरह कोई मारता है क्या? मेरा ईगो हर्ट हुआ है और मेरे अंदर का शेर जाग गया है। जरीना तुम यहाँ कैसे? गायत्री का है? हाँ हाँ करके तो आप ही बुला रहे थे ना, मैं तो बस चली आई। हा? मेरे पति को लेके भाग रही थी, कुछ तो शर्म कर। ये सब कब से चल रहा है, जवाब दे। क्या चल रहा है? तुम दोनों का रोमांस। रोमांस? हाँ, ये प्रेम कहानी कब से चल रही है? एक शब्द और बोली तो दांत तोड़ दूंगा। कॉमेडी में से एक्शन करने लगूंगा, असली फिल्म अंदर है। चलो अंदर चलो। क्या बोल रहे हो? पापा ये क्या किया? उम्र का थोड़ा ख्याल रखो, माँ जैसी दिखती है इसलिए। ये माँ जैसी दिखती है बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दरअसल ये बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है। सॉरी डैडी। हम पहुंच गए। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ए, यहाँ पर हमारे सर के बेटे का बाप कौन है? सॉरी सर। यहाँ पर एडवोकेट नारायण कौन है? सामने आ रे। मेरा नाम है, क्या काम है जल्दी बता। मैंने तो सिर्फ नाम पूछा रे, इसने काम पूछा रे। सत्यजीत रे, एक्स रे, वाई रे। कुछ तो बात है सर। सर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं और मैं कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है, मेरे बेटे के बाप आप हो? ऐसी मार्केट में चर्चा है, हाउ? हाउ का जवाब मेरे पास नहीं है। वेट 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 वेट, सच मैं बताती हूँ। जल्दी बताओ। मेरे अंकल से अश्विन आपका बेटा है, लेकिन मेरे भाई के लिए अश्विन इनका बेटा है, और मेरे लिए इनका छोटा बेटा। किसी और के लिए भी कुछ है? हाँ। मेरे लिए तुम क्या हो बताओ? आपके घर की बहू रानी। मम्मी, उस नालायक ने शादी कर ली। इस कहानी में मुझे तो पता है कि मेरा बेटा शादीशुदा है, लेकिन इसको तो ये भी नहीं पता कि इसका बेटा शादीशुदा है। अरे भरी महफिल में आज एक बाप का मजाक बनकर रह गया, देखना आज बाप बेटे के बीच फैसला होकर रहेगा। हो करेगा फैसला। पापा, मेरे पापा पे हाथ उठाया। बेटा इमोशंस में आकर अपने बाप को बाप मान ही लिया ना? सिर्फ माना ही नहीं, इस बात का एहसास भी हो चुका है। आई लव यू बेटा। अर्जुन आखिर सच क्या है, तूने किससे शादी की है बेटा? नीलाक्षी से। तो इतने दिनों तक झूठ क्यों बोला? नीलाक्षी का प्यार हासिल करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। एक झूठ को छुपाने की कोशिश में मुझे हजारों झूठ बोलने पड़े। हो सके तो मुझे माफ कीजिए। बस बस, बेटे को बाप से क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, नीलाक्षी मेरी बहू है। खुद से भी ज्यादा ट्रस्ट करती थी तुम पर, ऐसा क्या हो गया कि मुझसे सच छुपाना पड़ा? किसी झूठ से अगर खुशी मिलती हो तो वो झूठ 100 सच से महान होता है। अगर मैं अपने आप को उस दिन अनाथ ना कहता तो मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए खो देता, और अगर ऐसा होता तो मैं अपने जीने का मकसद भी खो देता। तुम्हारी दीदी के ससुराल वाले गलत थे, पर उसका मतलब हर परिवार तो बुरा नहीं होता। अगर तुम्हें हमारा परिवार पसंद है तो हमारे साथ रहो। भैया ये मेरे पापा हैं, ये मेरे भैया, मेरी भाभी, ये हमारा परिवार है। क्या मस्त फैमिली है भाई, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। मेरे बेटे को भिखारी किसने कहा? मेरा बेटा स्लमडॉग नहीं है, बल्कि असली मिलियनर है। मिलियनर गांव में मेरी 16 एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत कई करोड़ होती है। ऐसा वैसा मत समझना, इसका बाप हूँ मैं। प्यारे पापा, ये बात आज तक क्यों छुपा के रखी थी?
ताकि तू वो पैसा उड़ा ना दे बेटा। कंफ्यूजन क्लियर होने पर आशीर्वाद बनता है, सदा सुखी रहो। भगवान करे तुम्हें भी ऐसी ही नालायक औलाद मिले। तुम्हें भी ऐसे ही टॉर्चर करे, उससे 10 गुना ज्यादा तुम्हें टॉर्चर करे। दिल से आशीर्वाद देता हूँ, मेरा भी यही आशीर्वाद। हमारे जैसे बच्चे फिर तो बात लग गई।